हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छा चल रहा है? पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है? इस बार तोड़ देना है, ठीक है? तो चलिए, हमारा ये अमेंडमेंट डिस्कशन ऑन IGST एक्ट ये स्टार्ट करते हैं। तो IGST एक्ट 2017, इसमें बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है और कुछ क्लैरिफिकेशंस आया है, ठीक है? तो ये अमेंडमेंट्स और क्लैरिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सेक्शन 13, डिटर्मिनेशन ऑफ POS फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड इंडिया। अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में, थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर सर्विसेज के POS फिक्स करने हैं तो ये दो सेक्शन में फिक्स होते हैं, एक सेक्शन 12 और दूसरा सेक्शन 13। ओके, तो दो सेक्शन में फिक्स होते हैं, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ठीक है? सेक्शन 12 कब लगता है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, ओके। और सेक्शन 13 कब लगता है? LOS और LOR इज आउटसाइड इंडिया मतलब क्या कि सेक्शन 13 में कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर है। इसमें सेक्शन 13 में 13-2 से लेके तो नाउ 13-12 तक अलग अलग POS फिक्स्ड है, अलग अलग POS फिक्स्ड है, लेकिन इसमें 13-13 एक सेक्शन था। 13-13, अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा 13-13 पे। 13-13 एक सेक्शन था जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, पर अब पढ़ना पड़ेगा। ये 13-13 क्या था, क्योंकि ये इसमें अमेंडमेंट जो हुई है मैं एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अमेंडमेंट क्या हुई मैं बताता हूँ। पहले 13-13 की प्रोविज़न पढ़ते हैं, ठीक है? 13-13 की प्रोविज़न कहती है, गवर्नमेंट पावर टू नोटिफाई सर्विस टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। गवर्नमेंट के कुछ पावर्स, गवर्नमेंट ऐसी कुछ सर्विसेज नोटिफाई करेगी जहाँ दो बार टैक्स ना लगे। टैक्स पढ़ता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और फॉर यूनिफॉर्म अप्लीकेशन ऑफ रूल्स, तीन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट यहाँ कुछ नोटिफाई कर सकती है। एक एक कि डबल टैक्सेशन हो रहा हो, एक टैक्स बिल्कुल ही नहीं लग रहा हो, या रूल्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया। उसके लिए द गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू नोटिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज और सर्कमस्टेंसेस इन विच प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विसेज। सेक्शन कहता है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, दूसरा, आई रिपीट, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, दूसरा, अगर कहीं टैक्स नहीं लग रहा होगा तो केस को कवर करने के लिए, या तीसरा, यूनिफॉर्म रूल्स के एप्लीकेशन होने के लिए या गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज डिस्क्राइब कर सकती है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई उसके इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाएगा। चलिए, उसमें इस बार एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 एक नोटिफिकेशन आया, और इसमें एक सर्विस नोटिफाई हुई है। क्या? सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज स्पेसिफाइड बिलो इन द टेबल बाय अ पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा एक वर्ड पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। आई रिपीट, ओके, ये वर्ड पे ध्यान लाना चाहूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ, पर्टिकुलरली उन्होंने एक सेक्टर कवर किया और वो कवर किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहाँ पर्सन जो है वो लोकेटेड इन इंडिया है, मतलब सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, और रिसिपियन जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है,
तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई LOR माना जाएगा अगर नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी होती है तो। चलो शर्त देख लेते हैं फिर समझाता हूँ। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रिसिपियन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो ऐसी पार्टी में होना चाहिए जहाँ एक पार्टी इंडिया में है और एक पार्टी इंडिया के बाहर है। तो इन दो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इन दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सच सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल ऑल द कंडीशंस इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 263 एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया ऑफ IGST एक्ट। चलिए थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ, हुआ क्या था थोड़ा इसको समझिएगा। हुआ ये था बेटा कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर फार्मा, इनके पास बहुत सी फॉरेन कंपनी जो है टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजती थी, टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजती थी, और ये टेस्टिंग के लिए अगर वो गुड्स भेज रहे हैं तो यहाँ सभी टेस्टिंग वगैरह हो रही है, टेस्टिंग के लिए गुड्स भेजा जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ओके वो गुड्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ये प्रॉब्लम था, ध्यान से सुनिएगा, कि उन्होंने जो सर्विस दिया है, ओके गुड्स बाहर से आया और इस गुड्स पे वो दे रहे थे सर्विस, भाई सर्विस क्या दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी रिपोर्ट वो फॉरेन कंपनी को सबमिट कर रहे हैं कि क्या रिसर्च हुआ क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट फॉरेन कंपनी XYZ को सबमिट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। अगर आपको याद होगा तो नाउ अगर आपकी सर्विस ऐसी है कि सामने वाला जो है वो अगर गुड्स हमें सप्लाई करे, जब तक वो गुड सप्लाई नहीं करता है आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस नेचर की आपकी सर्विस है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता था पहले, ये नोटिफिकेशन आने के पहले इसका प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता था बेटा सेक्शन 13(3) में, और सेक्शन 13(3)(a) कहता था कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना, अरे क्या हो गया जस्ट मिनट, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, परफॉर्मेंस माना जाएगा, और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्योंकि क्यों प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, क्योंकि इसकी सर्विस ये नेचर की है कि सामने वाला जब तक गुड्स उसके फार्मास्यूटिकल के सैंपल्स अवेलेबल करवा के नहीं देता है, आई रिपीट फार्मास्यूटिकल के सैंपल्स अवेलेबल करवा के नहीं देता है तब तक ये बंदा उसके ऊपर कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे माना जाएगा, और वो माना जाएगा इंडिया। तो अगर इसमें अब देखो सर्विस प्रोवाइड हो रही है आउटसाइड इंडिया, सर्विस प्रोवाइड हो रही है आउटसाइड इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा आ रहा है कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, ओके तो स्टेप देखना, पहले गुड्स आया टेस्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, उस पर सर्विस दी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, सर्विस का नेचर ऐसा है कि जब तक गुड्स फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो गुड्स फिजिकली अवेलेबल करवा के दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो गुड्स कंज्यूम हो गया, कुछ याद आया, रिसर्च और डेवलपमेंट में वो गुड्स कंज्यूम हो गया, सर्विस दी गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो सर्विसेज दी गई उसका पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आया, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई 13(3)(a) के तहत फिक्स होता था, और अगर ये 13(3) के तहत फिक्स हो रहा है तो वो इंडिया ही हो रहा है, और इंडिया हो रहा है तो एक्सपोर्ट सर्विस के बेनिफिट
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं ले पा रही थी। भाई एक्सपोर्ट सर्विस क्या कहती है, चलो देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या कहती है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की पहली शर्त है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर वो इंडिया में होना चाहिए। चलो ये तो हमने फुलफिल कर दी, वो इंडिया में होना चाहिए। दूसरा, उसका लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ये भी भाई हमने पूरी कर दी क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है। तो चलो पहली शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त पूरी होगी। लेकिन जो क्लॉज थ्री वाली शर्त है, ओके, क्लॉज वन हो गई, क्लॉज टू हो गई, अब क्लॉज थ्री वाली जो शर्त है, तीसरी वाली क्या, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। हाँ, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए तो ही एक्सपोर्ट कहलाया जाएगा। क्लॉज फोर वाली शर्त है, ओके, और क्लॉज फोर वाली शर्त है कि पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। और फिफ्थ वाली है, इट शुड नॉट बी योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, नॉट बी योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। चलो, हमने तो भाई ये भी शर्त पूरी कर दी, ये भी शर्त पूरी कर दी, यानी चारों शर्त तो हम पूरी कर रहे हैं बस इसको छोड़ के। ओके, ये जो तीसरी वाली शर्त है ये पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे फिक्स हो रहा है, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे फिक्स हो रहा है तो ऐसे केस में इंडिया माना जाएगा। इंडिया माना जा रहा है तो एक्सपोर्ट सर्विस नहीं बोली जा रही, और एक्सपोर्ट सर्विस नहीं बोली जा रही है तो बंदे को ज़ीरो रेट मिलने वाला नहीं है। ओके, ज़ीरो रेट मिलने वाला नहीं है। तो सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इससे नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि फॉरेन, पूरा यूरोप और फॉरेन इंडस्ट्री इंडियन फार्मा को प्रीफर करती है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन फार्मा बहुत बेस्ट है इसमें, फॉर रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड एनालिसिस सर्विसेज में। और ये फॉरेन कंपनी इंडियन फार्मा को जब प्रीफर करती थी तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, जहाँ तक है इंडिया फिक्स हो रहा था। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी इतना पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ला रही है पर उन्हें एक्सपोर्ट सर्विस का जीरो रेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आई आपको बात समझ में? दूसरा, नो डाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस पर बहुत लड़ी गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि 13(3)A में एक प्रोविज़ो है और वो सेकंड प्रोविज़ो है, और वो 13(3)A की सेकंड प्रोविज़ो ये कहती है कि अगर गुड्स टेम्परेरी इंडिया में आया होगा रिपेयरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, कोई गुड्स इंडिया में आया होगा रिपेयरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, टेम्परेरी आया होगा और वो प्रोसेसिंग होके वापस जा रहा है विदाउट अदर यूज़, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे फिक्स हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पे फिक्स हो गया ना तो फिर ओके तुम्हें एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल सकते हैं। तुम्हें बेटा बस इस कंडीशन के वजह से ही एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा POS इंडिया में फिक्स हो जा। अगर ओके भगवान चाहे और मेरा POS बाहर फिक्स हो जाए तो बस यार ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी, मुझे एक्सपोर्ट सर्विस यानी जीरो रेट मिल जाएगा। यस, मिल जाएगा, पर वो पूरी हो नहीं रही थी। तो कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कह रही थी कि नाउ हम तो गुड्स प्रोसेसिंग के लिए ला रहे, टेस्टिंग के लिए ला रहे, तो ऐसे केस में हमें सेकेंड प्रोविज़ो लगाई जाए और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट 13(2) के हिसाब से हमारा POS फिक्स किया जाए। डिपार्टमेंट इसके ऊपर रेडी नहीं था। डिपार्टमेंट का कहना था कि ऐसे कैसे, तुमने गुड्स भेजा ही कहाँ, तुमने टेस्टिंग में रिसर्च डेवलपमेंट में गुड्स यूज़ कर लिया, टेस्टिंग के लिए भेजा ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम सेकंड प्रोविज़ो अप्लाई नहीं करेंगे, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे ही होगा और वो इंडिया में माना जाएगा। तो नाउ ये इंडस्ट्री थोड़ी गवर्नमेंट से नाराज़ थी। फिर गवर्नमेंट ने एटलास्ट इनकी सुन ली, ओके, क्योंकि अभी तो बेटा GDP कम हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नाराज हो रहा है गवर्नमेंट से, तो चलो फार्मा इंडस्ट्री का एक बात गवर्नमेंट ने सुन लिया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, ओके, कोई इंडिविजुअल सेक्शन में अमेंड नहीं किया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था, फार्मा इंडस्ट्री का ये भी कहना था कि हम जो यहाँ से सर्विस दे रहे हैं, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप हमारे पे GST यहाँ लगा रहे हो और वो कंट्री के लॉ में हो सकता है कि उनकी तो XYZ की इम्पोर्ट सर्विस हुई, अगर XYZ की इम्पोर्ट सर्विस हुई तो वो कंट्री में भी GST लग सकता है क्योंकि इम्पोर्ट सर्विस पे मोस्ट ऑफ द कंट्री में GST लगता है, तो उनके लिए इम्पोर्ट सर्विस हुई तो उनको GST लग गया, और आप हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स कर चुके हो, अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स कर चुके हो तो यहाँ पे भी GST लगा रहे हो, तो ये सब सही बात तो नहीं है, यहाँ डबल टैक्सेशन भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार, ओके, तुम्हारी बात समझ में आती है, डबल टैक्सेशन भी हो सकता है, ओके, और
तुम इतना पैसा कमा के ला रहे हो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में और तुम्हें बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, ओके, तो ये तो गलत बात हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 में इसको नोटिफाई कर दिया, ओके, और सेक्शन 13 में इसको नोटिफाई करके कहा कि भाई हमें लगता है कि ये सेक्टर डबल टैक्सेशन, ये सेक्टर ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, ओके, इन पर डबल टैक्सेशन हो सकता है, इसलिए इनका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ, ओके, सेक्शन 13(1)(a) से ना फिक्स करते हुए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के बेस पे फिक्स किया जाएगा, जिससे डबल टैक्सेशन भी अवॉइड हो और ये फार्मा सेक्टर को बेनिफिट भी मिले। तो नाउ देखो, अगर आपकी सर्विस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस होगी, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज होगी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा, आई रिपीट, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होगा जिसमें सर्विस देने वाला इंडिया में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सर्विस लेने वाला इंडिया के बाहर है, आई रिपीट, सर्विस देने वाला इंडिया में है और सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर है, और उन्होंने सर्विस भी नोटिफाइड की कि किस टाइप की सर्विसेज के लिए ही प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा, उसकी लिस्ट भी बनाई और लिस्ट ऑफ द सर्विसेज दिखी, नीचे की दिए गए टेबल में ये लिस्ट ऑफ द सर्विसेज है, इसमें इसके लिए अगर सर्विसेज दी जाए, आई रिपीट, इसके लिए अगर सर्विसेज दी जाए तो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे ना फिक्स करते हुए, ओके, तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पे पूरा किया जाएगा, पहली शर्त। इसके लिए कुछ शर्तें डाली, क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट, ओके, इंडियन पर्सन और फॉरेन कंपनी के बीच में होना चाहिए, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन टू पार्टीज, और एक्सपोर्ट सर्विस की सच सप्लाई ऑफ सर्विस फुलफिल ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट, भाई आप तो पूरी शर्तें पूरी कर रहे थे, एक्सेप्ट एक शर्त पूरी नहीं कर रहे थे, कौन सी शर्त आप पूरी नहीं कर रहे थे, क्लॉज 3 वाली, हाँ, तो आप अगर बाकी की शर्तें पूरी करते हो, बाकी सब पूरी कर दो भाई, ओके, पैसा कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में लाओ, सिर्फ वो जो क्लॉज 3 वाली शर्त आपकी पूरी नहीं हो रही थी तो वो छोड़ के अगर आप बाकी पूरी शर्तें पूरी करते हो तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशन पे यह अमेंडमेंट हुई, पूरे चांसेस है, 99% चांसेस है कि इसके ऊपर वो केस स्टडी बना के आपको कोई सवाल पूछ ले एग्ज़ाम में। तो बेटा अगर इस पे ऊपर सवाल आ गया और आप पूरा अच्छे से लिख पाए तो मेरा यहाँ पे पार्टी रेडी रखना, ठीक है। चलिए ना, उन्होंने टेबल दिया है ना, वेरियस सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज होनी चाहिए, ये बहुत टेक्निकल डिटेल है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, टेबल जस्ट फॉर सेक ऑफ रीडिंग, जस्ट फॉर रेफरेंस आपको इसके डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको रीड करना है, टाइम मिले तो कर लेना, अदरवाइज रीड करने की भी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी, येस और नो? चलो, ये एक अमेंडमेंट हमने देखी। हाँ, दूसरी एक अमेंडमेंट जो ही वो ये थी, ये जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है जो बाहर से इंडिया में, आई रिपीट, बाहर से इंडिया में यहाँ पे OIDAR सर्विसेज दे रहे टू NTOR, आई रिपीट, किसको बेटा, टू NTOR, तो ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में जो NTOR को सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन में यहां पे इनको इंडिया में टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में लगता है अगर NTOR को सर्विस दे रहे हैं। तो यहां पे ओल्ड प्रोविजन क्या था, ओल्ड प्रोविजन ये था कि इनके पेमेंट के लिए, मतलब ये जब इंडिया में पेमेंट करेंगे और डिटेल्स फाइल करेंगे तो पेमेंट के लिए कॉमन पोर्टल पे प्रोविजन नहीं किया गया था, तो इनको पेमेंट जो करना पड़ता था पहले पुरानी सिस्टम में, पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, पुराना एक सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भाई चलो कॉमन पोर्टल पे OIDAR वालों को अभी तक हमने कोई प्रोविजन नहीं किया है, तो आप एक काम कीजिएगा, हमारा जो पुराना पोर्टल था पेमेंट का एक्साइज और सर्विस टैक्स का, उसके थ्रू ही आप पे कर दीजिएगा, उसमें प्रोविजन करके दे दिया और उसके थ्रू ही पे करवा दिया। लेकिन बेटा अब वो निकाल दिया गया है और नई प्रोविजन, ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर कैसे पे किए गए,
और पे करेंगे उसका नई प्रोविजन उन्होंने ऐड की है। देखो, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज कैन मेक द पेमेंट थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क। भाई बड़ा नाम है, ओके आपको याद रहे तो ठीक। तो ये इन सिंपल वर्ड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ओके, इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट मे ऑल्सो मेक एंड डिपॉजिट अंडर सब रूल 2 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर थ्रू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द बोर्ड। यानी अब वो पुराने सिस्टम से ना फाइल करते हुए अगर ये सिस्टम से भी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के सिस्टम से भी फाइल किया तो भी चलेगा। दूसरी चीज़ एक छोटी बात, एक शायद ही एग्जाम में पूछेंगे पर ठीक है, दूसरी एक छोटी बात वो ये कि सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन एज अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर एज मेंशन बिलो द सेड पर्सन शैल नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ओके GSTR 9। मतलब OIDR वाले को ओके एनुअल रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज वेल एज फॉर्म 9C में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस OIDR सर्विस के केस में किए गए हैं। ओके बेटा, सो दिस इज रिलेटेड टू OIDR सर्विसेज। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 15, एक टूरिस्ट वाला रिफंड था, उसके अंदर रूल 95A आया। थोड़ा 95A में यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, 95A क्या है। ओके, रूल 95A, इसके ऊपर सवाल आ सकता है 2-3 मार्क का, थोड़ा इम्पोर्टेंट करना। ये बेटा ऐसा है कि समझ लो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है और यहाँ पे इमिग्रेशन चेक है। नाउ ये पैसेंजर जो है अपना इमिग्रेशन चेक करवाता है। ओके, और जैसे वो एंटर होता है तो यहाँ पे बहुत सी ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, आपको याद होगा। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, ड्यूटी फ्री रिटेल शॉप होती है। अब ये ड्यूटी फ्री रिटेल शॉप होती है, ये क्या, अगर ये कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, नो टैक्स। इनके आउटवर्ड सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं होता है। ये आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, ये आपकी फ्लाइट है। ओके बेटा, ड्राइंग मत देखना, ये आपकी फ्लाइट है, ठीक है। तो ये आउटवर्ड, ये जो ड्यूटी फ्री सप्लाई करते हैं इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इनको एग्जम्पशन है। अब सवाल क्या था, इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है पर ये इंडिया से बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं, चॉकलेट्स हैं, वाइन है या स्टेशनरी बैग्स वगैरह है। तो ये ड्यूटी फ्री शॉप अपना इनवर्ट सप्लाई करते हैं और इंडिया से बहुत सारा गुड्स खरीदते हैं। यही बात समझ में आपके, इंडिया से बहुत सारा गुड्स खरीदते हैं। तो सवाल क्या है, सवाल बेटा यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि इनके आउटवर्ड पे तो टैक्स नहीं है पर इनके इनवर्ट पे टैक्स है, इनके इनवर्ट पे GST लगता है। ओके, इनके इनवर्ट पे GST लगता है। तो अब इनके इनवर्ट पे जो GST लगता है तो क्या इन्हें उसका रिफंड मिलेगा क्या? नाउ ये रिफंड मांग रही है इसका ड्यूटी फ्री शॉप कि हमें इसका रिफंड मिलेगा क्या। तो अब रूल 95A लाया गया, और रूल 95A लाया गया कि अगर ये जो गुड्स सेल करेंगे और वो सेल जो करेंगे वो एक वर्ड यूज़ किया है और वो है ongoing international tourist। अगर ये सेल यानी ये सप्लाई ongoing international tourist को करेंगे, ongoing international tourist को करेंगे ये सप्लाई, तो फिर रिफंड मिल सकता है।
अभी ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट यानी क्या? ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट का डेफिनेशन नीचे दिया गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एक्सप्रेशन ऑनगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट शैल मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया, अंडरलाइन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया, एंड हु एंटर इन टू इंडिया फॉर स्टे नॉट मोर देन 6 months फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पजेस. ठीक है, तो ऐसा बंदा जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, ओके इंडियन रेसिडेंट नहीं है और इंडिया में इंडिया में वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहा है पिछले 12 महीने में, ओके सो ऐसे सिचुएशन में इन शॉर्ट ओके इंडियन टूरिस्ट को इंडियन पर्सन को नहीं मिलेगा. यानी इंडियन बंदा अगर ये ड्यूटी फ्री शॉप से गुड्स खरीदेगा तो उसको उसके सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा. हाँ, किसके सप्लाई का रिफंड मिलेगा? अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है या फिर इंडियन ओरिजिन वाला टूरिस्ट है पर इंडिया में नहीं रहता है, वो बाहर ही रहता है और वो इंडिया में 6 महीने से कम रुका है पिछले 12 महीने में, तो उसको अगर सप्लाई किया तो उसको अगर सप्लाई किया तो फिर रिफंड मिलेंगे. तो उसको जितना सप्लाई किया उसका इनवॉइस मेंटेन करना पड़ेगा, क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका पासपोर्ट का जेरोक्स लगाना पड़ेगा, तो ये सब प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे तो जाके आपको इनवर्ड सप्लाई के क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई तो वैसे एग्जम्प्ट है, तो आपको इनवर्ड सप्लाई के उसके एग्जम्पशन दिए जाएंगे. यानी जो गुड्स खरीदा और उनको बेचा गया तो उनको जो आप बेचोगे उसका एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा. आर यू गेटिंग मी बेटा? सो देखो मैं ये रूल 95A पढ़ता हूँ. रिटेल आउटलेट एस्टैब्लिश इन अ डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर सप्लाइंग इंडिजिनियस गुड्स टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट हु इज लिविंग इंडिया, अंडरलाइन ऐसे रिटेल आउटलेट्स जो इमिग्रेशन काउंटर के बाहर सेटअप किए गए हैं और वो डोमेस्टिक गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे बंदे को जो आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट है हु इज़ लिविंग इंडिया शैल बी एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय इट ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स. यानी ऐसे सिचुएशन में उनको जो है रिफंड मिल सकता है, वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं. रिटेल आउटलेट क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इज इनवर्ड सप्लाईज शैल फर्निश द एप्लीकेशन फॉर रिफंड क्लेम इन फॉर्म RFD 10B ऑन अ मंथली और क्वार्टरली बेसिस थ्रू अ कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू ई फैसिलिटेशन सेंटर्स. उन्हें अपना रिफंड RFD 10B में फाइल करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफाइड कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑफ इनवॉइसेस इश्यूड फॉर सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ क्वार्टर अलॉन्ग विथ कंसर्न परचेस इनवॉइस शैल बी सबमिटेड. मतलब वो अपना रिफंड क्वार्टरली बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं और अपने सभी इनवॉइस वो RFD 10B के साथ अटैच करेंगे. रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय सेड रिटेल आउटलेट शैल बी अवेलेबल इफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स वेर रिसीव्ड बाय सेल रिटेल आउटलेट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर टैक्स इनवॉइस. उसी इनवर्ड सप्लाई का रिफंड मिलेगा जो उसने B2B में खरीदा हो और इनवॉइस में खरीदा हो. सेकेंड, द सेड गुड्स वेर सप्लाइड बाय सेड रिटेल आउटलेट टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट फॉरन एक्सचेंज विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स. ओके, मतलब उसने जो सेल किया उसके अगेंस्ट में उसने फॉरन एक्सचेंज ली हो रुपीज में ना लिया हो. थर्ड, नेम ऑफ GSTN ऑफ रिटेल आउटलेट इज मेंशन इन टैक्स इनवॉइस एंड सच अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड. प्रोविजन ऑफ रूल 92 शैल अप्लाई मोटाटिस पुटंडिस फॉर सैंक्शन एंड पेमेंट ऑफ रिफंड. ओके, तो ये अगर सभी कंडीशंस फुलफिल होती है तो ये रिटेल आउटलेट जो भी गुड्स बेचेंगे, किसको बेचेंगे बेटा? वो जो ऑनगोइंग टूरिस्ट है, वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो इस डेफिनेशन के हिसाब से है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा. आर यू गेटिंग मी? यस. सो नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में एक केस हम पढ़ेंगे. एक क्लैरिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है फॉर योर एग्जाम. इस बार आपके उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलिए. चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस लेते हैं. वैसे 5-6 क्लैरिफिकेशन, इसमें से 2-3 क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, बाकी तो जस्ट फॉर योर नॉलेज रीड करना है. इसमें से ये क्लैरिफिकेशन, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, हाँ पहले मैं
पिक्चरल प्रेजेंटेशन से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ और फिर टेक्निकल वर्ड्स, फिर शब्दों का जाल जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्टली देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड कि कोई इंडियन कंपनी है या ये इंडियन बंदा है, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया फॉरेन कंपनी का फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। नो डाउट ये इसको पूरा सर्विस दे रहा है, फुल सर्विस दिस बंदा, ओके दिस पर्सन प्रोवाइडिंग टू हियर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। नाउ अब ये बंदे ने क्या किया, ये बंदे ने हो सकता है पूरा सर्विस आउटसोर्स कर दिया हो या उसके पार्ट ऑफ द सर्विस क्या आउटसोर्स, कि हो सकता है कि डेवलपमेंट यहाँ चल रहा है, टेस्टिंग या कुछ पार्ट किसी और को आउटसोर्स कर दिया हो, ठीक है। जिसको आउटसोर्स कर रहा है, किया गया वो भी अदर कंट्री का है, वो भी अदर कंट्री का है। अब ये टीम जो है ये बंदे के प्लेस पे जा रही है, जो भी एक्टिविटी डेवलपमेंट की है या पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है ये कंप्लीट कर रही है, पर इन दो बंदों का कोई लेना देना नहीं है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, कम ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला, इसने आउटसोर्स कर दिया, मे बी फुल कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और ये इसको सर्विस दे रहा है। मुझे बताओ आपके कॉमन सेंस से जीएसटी इंपैक्ट कैसे हो गया, ये सर्विस इसको दे रहा है और इसको सर्विस देने के लिए इसकी सर्विस ले रहा है। अरे हाँ या ना, किसकी समझ लो, हम नाम दे देते हैं, ये वो यूज करने के बजाय एबीसी नाम दे देते हैं, ओके ए बी और सी, ओके ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला बी से, इज इट क्लियर, और उसने आउटसोर्स किया सी को, तो बताओ क्या इम्पैक्ट हो गया आपके हिसाब से। अगर एक नज़र में यहाँ पे अगर आपको चीज़ें क्लिक हो गई तो ये पूरा सर्कुलर 2 मिनट का काम है, बताओ क्या होगा। अरे बोलो ना, यस पहले तो मुझे बताओ क्या ये एक्सपोर्ट सर्विस माना जाएगा, कंसिडरेशन समझ लो, अज्यूम करना कंसिडरेशन $10,000 इसको मिला और इसमें से इसने $6,000 इसको दिया, हाँ तो कंसिडरेशन तो पूरा एक्सपोर्ट माना जाएगा। अरे ये सुनो, क्या ये एक सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस के सभी बेनिफिट्स इसको मिल जाएंगे अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वॉट एवर इट मे बी, पर इसने जो 6,000 का रेमिटेंस किया सी को, इसका क्या होगा बेटा, इसको कौन सी सर्विस माना जाएगा। अरे करेक्ट करेक्ट, क्या इंपोर्ट, क्योंकि पहले बताओ सी किसको सर्विस दे रहा है, बी को दे रहा है या ए को दे रहा है, ए को दे रहा है ना, तो ए के लिए वो क्या माना जाएगा, इंपोर्ट सर्विस, इंपोर्ट सर्विस यहां पे माना जाएगा, ओके। तो देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, यहां पे यहां इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आउटसोर्सेस अ पोर्शन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, वर्ड्स को ध्यान से सुनना, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द सेल पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द हैंड्स ऑफ एक्सपोर्टर, देयर मे बी इंस्टेंसेस वेयर फुल कंसिडरेशन फॉर आउटसोर्स सर्विस इज नॉट रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर इन इंडिया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो $10,000 लगाया वो पूरा नहीं मिला क्योंकि बाहर के बाहर पेमेंट हो गया। अरे है ना, यानी ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 6,000 तो डायरेक्ट उसको दे दे सी को एंड नेट पे 4,000 टू मी, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई वेयर एन एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया इज सप्लाइंग सर्टन सर्विसेज टू रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इधर होली और पार्टली थ्रू एनी अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया द फॉलोइंग टू सप्लाईज आर टेकिंग प्लेस, वन supply of services from the exporter of service located in India to recipient of services located outside India, okay, for full contract value, मतलब यहाँ पे
हमको पैसा पूरा पूरा $10,000 पहले हमको मिला और फिर उसमें से हमने 6,000 दिया, या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस लोकेटेड इंडिया फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट ऑफ आउटसोर्स पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो चलो एक एक लेते हैं। पहला यहां स्टार करना, वेयर फुल कंसिडरेशन फॉर द सर्विस एज पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विस लोकेटेड इन इंडिया। क्लैरिफिकेशन, अगर ये जो एक्सपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर, अब यहां डायग्राम में लिख दो, एक्सपोर्टर रिसिपियंट ऑफ द सर्विस एंड थर्ड पर्सन जिसको आउटसोर्स किया है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट अगर $10,000 में हुआ है तो फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड, और रिमिट किया गया। अच्छा, ये इसके लिए एक्सपोर्ट सर्विस होगी, ये इसके लिए एरो ऐसा बता देना, ये इसके लिए इंपोर्ट सर्विस होगी, उसके लिए $6,000 पे किया गया। ठीक है, इंपोर्ट सर्विस के लिए $6,000 पे किया गया। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपसे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ये इसमें कितना होगा, फुल वैल्यू। ओके, तो अंडरलाइन टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस अग्रीड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, पेमेंट मेथड मुझे बताओ, पेमेंट काट कर मिला या फुल मिला। एक सिचुएशन फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिसीव्ड। अच्छा, इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी, जो थर्ड पर्सन से मिले। इट इज क्लेरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ सर्विस लोकेटेड इंडिया वुड बी लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यहां लिख देना इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम अप्लीकेबल, आरसीएम लगेगा, आरसीएम इज अप्लीकेबल ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस ऑन दैट पोर्शन ऑफ सर्विसेज विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और आईटीसी, ये मतलब ये जो आरसीएम में, ध्यान से सुनना, ये आरसीएम में जो आईजीएसटी दिया, क्या इसका आईटीसी एक्सपोर्टर को मिल जाएगा। आरसीएम में हम टैक्स भी देते हैं और उसका आईटीसी भी लेते हैं। ओके, तो आईटीसी द सेड सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया अंडर वुड एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स सो पेड अंडर आरसीएम। ऐसा लिख दो, अंडर RCM। और सेकेंड, ऑल बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट इज अवेलेबल, बाकी जो भी एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स है $10,000 पे, वो सब उसको मिलेंगे विद बॉन्ड या विदाउट बॉन्ड एंड रिफंड। चलो सेकेंड डायग्राम में ऐसा करना, एग्जैक्टली सेम लिखना है आपको, फिर से सिर्फ अमाउंट बदल देना है। यहाँ लिखना टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ऊपर लिखना टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $10,000, उसमें से $6,000 रिसीव्ड, इसका डायरेक्ट पेमेंट हो गया $4,000 डायरेक्टली पेड, नहीं नहीं सॉरी 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 उल्टा हो गया, गलती होगी भाई, सॉरी। हाँ ठीक है, क्या $4,000 और $6,000 डायरेक्टली पेड,
डायरेक्टली पेड, ठीक है, सेकंड डायग्राम में, बाकी तो वही लिखना कि ये एक्सपोर्टर, ये रिसिपिएंट, ये थर्ड पर्सन, ये एक्सपोर्टर, ये रिसिपिएंट और ये थर्ड पर्सन जिसका आउटसोर्स किया है, थर्ड पर्सन जिसका आउटसोर्स किया है। चलो, आप अगर कंसल्टेंट होते तो आप क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट की वैल्यू या 4000 होगी या 10000 होगी? नहीं, ये बंदे का और ये बंदे का कोई रिलेशन नहीं है, जो भी हुआ हमारे थ्रू हुआ है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट? 10000। और वैसे भी आपको वैल्यूएशन चैप्टर सेक्शन 15 में पता है, थर्ड पार्टी पेमेंट वैल्यू में ऐड होता है, पेड ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होगी? 10000, ठीक है। तो 10000 एक्सपोर्ट वैल्यू होगी। इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी फॉर आरसीएम? हमने इंडिया से कुछ भी रिमिट नहीं किया, इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। बोलो, इंपोर्ट वैल्यू कितनी होगी? तो इंपोर्ट वैल्यू जो डायरेक्ट पेमेंट हुआ है, कम ऑन, क्या डायरेक्ट पेमेंट हुआ है, वो उसकी इंपोर्ट वैल्यू मानी जाएगी। तो यहां पे इंपोर्ट सर्विस भी माना जाएगा, इवन तो आपने पेमेंट नहीं किया हो, पर ये इंपोर्ट सर्विस माना जाएगा। और वैल्यू इक्वल्स टू $6000 डायरेक्टली पेड बाय आर टू थर्ड पार्टी, और इसके ऊपर आरसीएम लगेगा। बस ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, कि अगर आपके डायरेक्ट पेमेंट होते हैं तो वो डायरेक्ट पेमेंट इंपोर्ट सर्विस वैल्यू मानी जाएगी, एंड यू आर लायबल फॉर पेमेंट ऑफ क्या? आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, आईजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। चलो, अब मैं पढ़ लेता हूं तो अब आसान होगा। सेकेंड देखो, वेयर फुल कंसिडरेशन फॉर सर्विस एज पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज नॉट रिसीव्ड, पूरा नहीं मिला, इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस लोकेटेड इंडिया एंड अमाउंट डायरेक्टली पेड टू सप्लायर लोकेटेड क्या? आउटसाइड इंडिया फॉर आउटसोर्स पोर्शन। तो देखो, वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट? अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या, 4000 या 10000? अंडरलाइन टोटल वैल्यू, दैट इज हमारे एग्जाम में $10000, ठीक है। पेमेंट मेथड, अच्छा पेमेंट में पूरा पेमेंट आया है, पार्ट पेमेंट आया है, पार्ट पेमेंट आया है, पार्ट पेमेंट डायरेक्टली आउटसोर्स हुआ है, ओके। उसके बाद में इंपोर्ट सर्विस, मेरा सवाल यह है कि हमने इंडिया से कोई रेमिटेंस नहीं किया, इवन दो हमने इंडिया से रेमिटेंस नहीं किया तभी क्या इंपोर्ट सर्विस माना जाएगा? यस, ओके। देखो, इंटीग्रेटेड टैक्स हैज बीन पेड बाय सप्लायर located in India for import of service on that portion of service which has been directly provided by supplier located outside India to recipient located क्या? Outside India। यहाँ ये supplier का मतलब third party, third person। ये third person ने जो directly service provide कर दी, okay, to recipient, वो आपका import service का portion माना जाएगा। और आपको reverse charge में IGST देना पड़ेगा। चलो, रिवर चार्ज में अगर मैं आईजीएसटी दे रहा हूं तो क्या मुझे आईटीसी के क्रेडिट मिलेंगे? यस, एंड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। नाउ, अभी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स पढ़ता हूं, देखो क्या कहते हैं। आउटसोर्स पोर्शन ऑफ द कंसीडरेशन शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज रिसीप्ट ऑफ कंसीडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड दैट आरबीआई बाय जनरल इंस्ट्रक्शन और बाय स्पेसिफिक अप्रूवल हैज अलाउड दैट पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन टू बी पेड डायरेक्टली। पर ख्याल रहे, ये बंदे ने डायरेक्टली अगर इसको पे किया होगा तो आपको बेनिफिट $10000 पे मिलेगा, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। बट ये परमिशन आपने आरबीआई से लिया हो कि आप क्या बाहर के बाहर डायरेक्टली पेमेंट हो रहा है। वैसे फेमा रेगुलेशंस के हिसाब से, ओके, आपका कंसिडरेशन आप बाहर के बाहर एडजस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, जिसमें आरबीआई की भी परमिशन आपके पास होना जरूरी है। ओके, चलो वन केस स्टडी फॉर यू। देखो, ABC Limited India has received an order for supply of service amounting $5 lakhs to US based client. ABC Limited India is unable to supply the entire services from India
and ask SYZ Limited, Mexico, who is not merely establishment of distinct person of ABC Limited. देखो, Mexico में जो XYZ है, वो ABC Limited का कोई distinct person नहीं है. Under Section 8 of IGST Act, to supply part of the service, 40%, okay, of total contract value. ABC Limited India shall be the exporter of service for entire value. Okay, if service for entire amount is raised by ABC Limited India, determine the value of export. Would your answer will differ if consideration for supply of service 60% consideration for supply is only 60% of consideration received in India and remaining amount 40% is directly paid to kya? US based client. Chalo likho, do part karo. Yahan pe. Situation 1, full consideration received. Full consideration received to ABC Limited. And second, part consideration received. Consideration received to ABC Limited. दोनों लगभग सेम ही आएंगे. Full consideration होगा तो export value. क्या export value बेटा? डॉलर 5 lakhs. डॉलर 5 lakhs. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सर्विस कितना पोर्शन आउटसोर्स किया उसने? 40% ना, तो कितना हो रहा है डॉलर 2 lakhs. Next, IGST is payable on import service निकालना है तो निकाल लेना, अदरवाइज इतना भी लिखा तो भी चलेगा. Import service and ITC is available. एक मिनट. IGST payable on import service on dollar 2 lakhs and ITC is available. And last point, export benefits is available on dollar 5 lakhs. यहाँ लिखो, पार्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड डॉलर कितना मिला कंसिडरेशन उसको? 60% मिला ना? हाँ, 3 lakhs. एक मिनट, 3 lakhs पार्ट कंसिडरेशन होगा तो भी एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी ली जाएगी? एक्सपोर्ट वैल्यू डॉलर 5 lakhs. थर्ड, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सर्विस अमाउंट डायरेक्टली पेड इक्वल्स टू डॉलर 2 lakhs. फोर्थ, IGST is payable on dollar 2 lakhs and ITC also available. And point number 5, लिखो, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स इज अवेलेबल
पॉइंट नंबर फाइव, एक्सपोर्ट बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन डॉलर 5 लाख्स, ऑन डॉलर 5 लाख्स, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आरबीआई हैज अलाउड, आरबीआई हैज अलाउड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ डॉलर 2 लाख्स, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ डॉलर 2 लाख्स. चलो पहला क्लैरिफिकेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन सर्टेन केसेस, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट. ओके देखो फैक्ट्स ऑफ द केस, वेरियस सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय पोर्ट अथॉरिटीज टू इट्स क्लाइंट इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग. सम ऑफ सच सर्विसेज आर अराइवल ऑफ वैगन एट पोर्ट, हॉलेज ऑफ वैगन इनसाइड द पोर्ट एरिया अप टू प्लेस ऑफ अनलोडिंग्स, साइडिंग वैगन ऑफ इनसाइड द पोर्ट, अनलोडिंग ऑफ वैगन्स, मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो टू अ प्लॉट, स्टेकिंग देयर ऑफ, मूवमेंट ऑफ अनलोडिंग कार्गो टू बर्थ, शिपमेंट, लोडिंग एंड वेसल एक्सेट्रा. इश्यू वेदर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस वुड बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(2) और 13(2) एज द केस में बी, और सेम शैल बी डिटरमाइंड एज पर 12(3) ऑफ क्या IGST एक्ट. अच्छा मुझे बता 12(3) क्या था? इमोबल प्रॉपर्टी. ओके नाउ बहुत सी सर्विसेस पोर्ट पे दी जाती है. ओके आपके कार्गो जो आपकी बैग्स है, कार्गो है, वेगन सर्विस ली जाती है, लोड होती है, लोड के बाद आपके ओके एयरक्राफ्ट में शिफ्ट होता है, फिर आपको डिलीवर्ड किया जाता है. तो नंबर ऑफ सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी इज प्रोवाइडिंग. एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज थी, कन्फ्यूज ये बात पे थी कि ये सर्विसेज किस में जाएगी. ओके 12(2) या 13(2) एज वो जनरल प्रोविजन, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ सप्लायर. ओके और 12(2) में तो वो भी है B2B एंड B2C. ओके दोनों में डिवाइड किया है. या फिर 12(3) यानी ओके 12(3) में क्या ये सर्विसेज इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जाएगा? तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, ये जो सर्विसेज वैगन की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड हो रही है कि ये इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या ये जनरल रूल में ही जाएगी, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एंड एक्सेट्रा जनरल रूल में जाएगी? सरप्राइज है कि ये क्लैरिफिकेशन क्यों आया. सर्विसेज आर एंसिलरी टू और रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज. हाँ कार्गो हैंडलिंग एंड नॉट रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी. देखो क्यों आया 12(3) में बताता हूँ. 12(3) में ओके एक लास्ट वाला क्लॉज है. पहला वाला है डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी, दूसरा है होटल इन गेस्ट हाउस, कुछ याद आया क्या? होटल इन गेस्ट हाउस. तीसरा वाला क्या है? लॉन वगैरह, मैरिज फंक्शन लॉन वगैरह दिया गया, अकोमोडेशन. और चौथा है इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अबव सेड. तो ये क्वेश्चन क्यों आया होगा बताता हूँ. क्वेश्चन इसलिए आया होगा क्योंकि वेयरहाउसिंग, समझ लिया, वेयरहाउस पे दिया जा रहा है, वेयरहाउस भी दिया जा रहा है और वेयरहाउसिंग के रेंट चार्ज किए जा रहे हैं, है ना. तो वेयरहाउस ये इमोबल प्रॉपर्टी है और उसका रेंट चार्ज किया जा रहा है, तो वो तो 12(3) में आता है. पर एक क्लॉज ये भी है कि इंसिडेंटल और एंसिलरी टू अबो क्लॉज A, B and C, कुछ याद आ रहा है आपको? तो शायद ये कंफ्यूजन हो गया था कि ये जो वेयरहाउस में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग या पोर्ट पे ये सर्विसेज जो दी जा रही है पोर्ट के वेयरहाउस में, क्या ये इंसिडेंटल और एंसिलरी टू वेयरहाउसिंग माना जाएगा या इंसिडेंटल और एंसिलरी टू कार्गो हैंडलिंग माना जाएगा? तो नाउ क्लैरिफिकेशन आया. देखो क्लैरिफिकेशन क्या है. अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी डिटरमाइंड एज पर क्या बेटा 12(2) और 13(2). ओके and not okay in relation to immovable property depending upon the terms of contract between supplier and recipient of such services. theek hai uske baad mein next service rendered on goods unpolished diamond temporarily imported into india. ek minute humne abhi dekha tha section 13(3) mein agar goods physically available karwa ke diya jaye to place of performance, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था कि गुड्स अगर टेम्पररी इंडिया में आता है. कम ऑन कम ऑन, पहले प्रोविजन गुड्स अगर क्या टेम्पररी इंडिया में आता है फॉर एनी प्रोसेसिंग,
और वो रीएक्सपोर्ट हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई किससे? जनरल रूल से फिक्स होगा. इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये केस क्या है. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन अनपॉलिश डायमंड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड व्हिच आर एक्सपोर्टेड आफ्टर कटिंग एंड पॉलिशिंग इट. लीगल प्रोविजन. Place of supply in case of performance-based services is to be determined as per the provision contained in section 13(3)(a). Okay, मुझे बताओ अगर इंडिया में डायमंड प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है पॉलिशिंग वगैरह तो उसमें सिर्फ रिपेयर कवर होता है या ट्रीटमेंट या प्रोसेस भी कवर होती है? नहीं समझ में आ रहा है. ओके जाओ 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 ओपन द प्रोविजन 13(3) ओपन ओपन दैट 13(3). अच्छा 13(3)(a) में दूसरा वाला एक्सेप्शन देखो. मतलब पहली प्रोविजो और दूसरा सेकंड प्रोविजो क्या था वो पढ़ो. गुड्स अगर टेम्परेली इंडिया में आता है फॉर जस्ट रिपेयर है या ट्रीटमेंट या प्रोसेस भी कवर्ड है? ट्रीटमेंट और प्रोसेस भी कवर्ड है. चलो ठीक है. तो लीगल प्रोविजन ये कहती है कि अगर कोई गुड्स इंडिया में आता है तो 13(3) अप्लाई होता है. पर उसका एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन में पढ़ूंगा. इनके सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्परेरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स और फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस एंड आर एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर ट्रीटमेंट और प्रोसेस विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज इन इंडिया अदर देन दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर्स ट्रीटमेंट और प्रोसेस. सो इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी क्या बेटा? 13(2) लगेगा. ठीक है. सो यहां पे In case cutting and polishing activity of unpolished diamond which are temporarily into India and are not put to any other use in India, the place of supply would be determined as per section 13(2). तो लिख दो यहाँ पे. POS equals to section 13(3)(a) read with proviso that is section 13(2). Section 13(2) से फिक्स किया जाएगा. ठीक है. इक्वल्स टू LOR लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. उसके बाद में नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन. क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Enabled services ITES. देखो इश्यू क्या था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेस ITES सर्विसेस सच एज कॉल सेंटर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेस एक्सेट्रा एंड इंटरमीडियरी टू ओवरसीज एंटिटी अंडर GST लॉ एंड वेदर दे क्वालिफाई टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेस और अदरवाइज. मतलब कॉल सेंटर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ओके BPO एक्सेट्रा एंड इंटरमीडियरी टू ओवरसीज एंटिटी अंडर GST लॉ. तो देखो पहले मैं लीगल प्रोविजन समझाता हूं फिर एक एक बात समझाता हूं. पहले रीड कर लेता हूं. अगर हम कोई पार्टी इंडिया के बाहर है तो हमने पढ़ा था इंटरमीडियरी और इंटरमीडियरी सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो जो आईटी इनेबल सर्विसेज है जो कॉल सेंटर BPO क्या इन्हें इंटरमीडियरी बोला जाएगा या ये बोला जाएगा दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट? सर नहीं समझा. कभी भी पढ़ते वक्त ज्यादा टेंशन नहीं देना दिमाग को. लाइफ एक ही बार मिलती है. नहीं समझ में आ रहा गो टू दैट सेक्शन. नहीं समझ में आ रहा जाओ सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 जाओ सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 जब मेरा आप पता नहीं आपने देखा नहीं देखा लेकिन आपने अगर मेरे क्वेश्चन और वीडियो देखे होंगे कंपोजिशन स्कीम के आईटी से में मैंने हर प्रॉब्लम में आपसे किताब ओपन करने लगाई है. ओपन द बुक रीड द वर्ड्स अगेन एंड अगेन. पढ़ाई ही वो तरीके से करो. वो छोड़ो मुझे याद रहना चाहिए. क्वेश्चन लो. क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बार बार बुक ओपन करो. वर्ड्स क्या कहते हैं आंसर क्या लिखना चाहिए डिजाइन कैसे होना चाहिए फिर वापस क्वेश्चन वापस ओपन द बुक फिर से पढ़ो. इतने बार पढ़ना हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है. मेरी बात समझे क्या?
चलो 13 क्या 8 में आए, 13 8 में तीन सर्विसेज दिखी आपको, कौन सी तीन सर्विसेज? बैंकिंग टू अकाउंट होल्डर, दूसरा क्या इंटरमीडियरी, तीसरा हायरिंग ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तीन सर्विसेज थी। नाउ पॉइंट नंबर टू, इंटरमीडियरी की डेफिनेशन देखो नीचे, पढ़ो वो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन, हु अरेंजेस और क्या फैसिलिटेट, फैसिलिटेट क्या किसी के गुड्स को अरेंज करना या फैसिलिटेट करना या किसी के सर्विस को फैसिलिटेट करना बिटवीन क्या टू पर्सन, वो इंटरमीडियरी माना जाएगा। और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे होगा। नाउ लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है एक्सक्लूडिंग, वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्या था वो एक्सक्लूडिंग, ऑन हिज ओन अकाउंट। क्या केस स्टडी बताई थी, अगर कल घर जाके कोई रात को सोने के 10 मिनट पहले उसने रिकॉल किया होगा कि मैंने क्या बताया था तो उसको वो केस स्टडी याद होगी। करेक्ट, वेरी गुड। कैश मैनेजमेंट, कल हमने एक केस स्टडी देखी थी कि भाई उसने सिर्फ कैश कलेक्शन मैनेजमेंट दिया था, दो पार्टीज के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था, वो सर्विस को फैसिलिटेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपनी ओन सर्विस प्रोवाइड कर रहा था कैश मैनेजमेंट। इतना भी क्लिक हो गया मतलब आप कंसेप्ट से कनेक्टेड हो, कुछ समझ में आया क्या? तो कैश मैनेजमेंट वाला एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि ठीक है जिसकी डील हुई है उसको इसकी हेल्प हो रही है, बट जो कैश मैनेजमेंट कर रहा है वो किसी तरह से इनके डील में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इंटरमीडियरी नहीं है। इज इट क्लियर? वो इंटरमीडियरी नहीं है। अब सवाल क्या है, देखता हूं आपका लॉजिक कितना डेवलप होता है और यही तो आपका जो पढ़ाया हुआ है वो काम आता है, अदरवाइज तो फिर क्या है, क्लास हो गए, पढ़ लिया, लर्न कर लिया, एग्जाम में जाके वो मिट कर दिया, उससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। बहुत रफ वर्ड में बता रहा हूं, और एग्जाम होते ही निकलने के बाद आपने बोल दिया पूछना मत क्या लिखा, बस लिख के आ गया। मुझे बताओ, कॉल सेंटर वाले समझ लो गुड्स बेचा या सर्विसेज बेची और फिर कॉल सेंटर जो है वो सपोर्ट दे रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है मेरे और तुम्हारे गुड्स के लिए या मेरे और तुम्हारे सर्विसेज के लिए, वो कॉल सेंटर फैसिलिटेट कर रहा है, क्या वो कॉल सेंटर को इंटरमीडियरी माना जाएगा या फिर उनकी ओन अकाउंट, उनकी अपनी अलग सर्विस मानी जाएगी? क्या लगता है आपको, वो हमारे डील में फैसिलिटेट अरेंज कर रहा है या उसकी अलग सर्विस मानी जाएगी? अलग सर्विस मानी जाएगी, ऑन हिज ओन अकाउंट माना जाएगा। देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है। सेक्शन लीगल प्रोविजन, इंटरमीडियरी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इंटरमीडियरी में एक स्पेशल डिस्कशन है ऑन हिज क्या ओन अकाउंट, तो वो इंटरमीडियरी में नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर आप उसको इंटरमीडियरी मानते हो बीपीओ को और कॉल सेंटर को, तो फिर इंडिया के बाहर जो भी बीपीओ या कॉल सेंटर सर्विस दी जा रही है उसका सेक्शन 13(8) के हिसाब से पीओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी इंडिया मान लिया जाएगा और किसी भी बीपीओ और कॉल सेंटर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पीओएस ही कहां मान लिया, इंडिया में। क्यों ना पैसा किस में आ जाए, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट, आईटी इनेबल सर्विसेज दो नॉट डिफाइंड इन जीएसटी बट एज पर इनकम टैक्स रूल 1962 आईटी इनेबल सर्विसेज मीन सर्विस प्रोवाइडेड विथ असिस्टेंस और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेमली बैक ऑफिस ऑपरेशन कॉल सेंटर्स कॉल सेंटर सर्विसेज पेरोल रिमोट असिस्टेंस रेवेन्यू अकाउंटिंग एक्सेट्रा However, दिस सर्विसेस एक्सक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आया, अभी तक तो सिर्फ डेफिनेशन मिली है। तो तीन लीगल प्रोविजन के बेस पे सीबीआईसी क्या क्लैरिफिकेशन देखता है, देखते हैं। एक तो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन, दूसरा एक्सक्लूजन पार्ट ऑन हिज ओन अकाउंट, और एक इनकम टैक्स में के रूल में दी गई
डेफिनेशन. क्लैरिफिकेशन सिनारियो वन, देखो अब क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है. पहला सिनारियो, सप्लाई ऑफ आईटी इनेबल सर्विसेज बाय सप्लायर ऑन हिज ओन अकाउंट टू द क्लाइंट और कस्टमर, ओके ऑफ द क्लाइंट ऑन क्लाइंट्स बिहाफ, सच सर्विसेज वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट सर्विसेज. मतलब अगर वो अपने क्लाइंट को, इन शॉर्ट वो समराइज मैंने ऐसा किया है क्योंकि बहुत बड़ा 10 पेज का सर्कुलर है, उसको समराइज करके दिया है. वो सर्कुलर ऐसा, अब आपको बताता हूं कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं वो अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, उसका दूसरे पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है, वो दोनों की डील वो अरेंज नहीं करवा के दे रहा है, ओके ओन अकाउंट पे दे रहे हो गए, तो वो इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं मानी जाएगी. अगर वो इंटरमीडिएट सर्विसेज नहीं मानी जाएगी तो बताओ उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स होगा. जनरल रूल 13-2, तो अगर आपको लिखना है तो लिख देना, देन पीओएस 13-2 से फिक्स होगा. दूसरा सिनेरियो टू, सप्लायर ऑफ बैकएंड सर्विसेज अरेंजेस और फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बाय क्लाइंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू द कस्टमर ऑफ द क्लाइंट. सच बैकएंड सर्विसेज में इंक्लूड सपोर्ट सर्विस ड्यूरिंग प्री डिलीवरी, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, ओके हाँ, लेकिन बैकएंड सर्विसेज होगी जो डिलीवरी को हेल्प करती है. एक मिनट, गुड्स डिस्पैच हो गया, सब आपका डील हो गया, डील होने के बाद कॉल सेंटर है, तो डील होने के बाद का कॉल सेंटर वो ओन अकाउंट माना जाएगा, वो इंटरमीडिएट यानी डील का इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा. पर डील करते वक्त आपको डिलीवरी फैसिलिटेशन दिया जा रहा है, बैकएंड सर्विसेज में लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा रहा है, ओके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पोस्ट सेल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर बैकएंड सर्विस के नेचर का होगा तो सच बैकएंड सर्विसेज अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग द सप्लाई, वो कहीं तो भी आपके सप्लाई कंप्लीट होने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है. अरे ये सर नो, तो ऐसे केस में ओके इट्स वुड बी ट्रीटेड एज क्या बेटा, इंटरमीडिएट सर्विस. मतलब थोड़ा थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन से लॉ को समझो वो क्या कहते हैं. मतलब कॉल सेंटर है, इन सिंपल वर्ड मैंने पेंडा आपको डिस्पैच कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्पैच हो गया, आपको मिल गया, फिर आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, भाई सॉफ्टवेयर अटक गया है, अरे ना हैंग हो गया है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैंने बीपीओ दिया हुआ है दूसरे को, ओके वो आपका हैंडल कर रहा है, तो वो बीपीओ, बीपीओ ने डील में अरेंजमेंट किया या सप्लाई को फैसिलिटेट किया या सप्लाई होने के बाद वो अपना ओन सर्विसेज सेपरेटली दे रहा है, सप्लाई होने के बाद वो अपना ओन सर्विसेज दिया, इसलिए वो ऑन हिज ओन अकाउंट बोला जाएगा. लेकिन ओके मेरा गुड्स आपको सप्लाई करने के लिए मैं कोई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लेता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन लेता हूँ, या ओके एक्सेट्रा सर्विसेज लेता हूँ, तो वो सिचुएशन में अगर बैक एंड सर्विसेज टू कंप्लीट माई सप्लाई तो वो फैसिलिटेट में आ जाएगा, अगर वो फैसिलिटेट में आ जाएगा तो वो इंटरमीडिएट माना जाएगा. ओके थर्ड सिनारियो, सप्लाई ऑफ आई टी इनेबल सर्विसेज बाय सप्लायर ऑन हिज ओन अकाउंट अलॉन्ग विथ अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग द सप्लाई वेरियस सपोर्ट सर्विसेज ड्यूरिंग प्री डिलीवरी, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ, तो ट्रीटमेंट ऑफ सच सप्लाई, ओके देखो क्या कहते हो, ट्रीटमेंट ऑफ सच सप्लाई एज इंटरमीडिएट सर्विस वुड बी डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. एक तीसरा सिनेरियो, कोई बीपीओ सर्विस भी दे रहा है प्लस बैक एंड सर्विस भी दे रहा है पर ऑन हिज ओन अकाउंट. समझ लो कोई क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, कम ऑन क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, पर उसका सेपरेट अपना बिजनेस है, ओके और वो जो है आपका शिपिंग को भी मैनेज कर रहा है प्लस उसके बाद का आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहा है. इज इट क्लियर? तो अभी जैसे अभी तो यहां पे समझ लो 20 मार्क में हम क्या सोचे, एज अ टीचर हमको इतना टाइम नहीं मिला, आपको फ्रेंकली सीखो कि भाई पढ़ाना और रोज का 7-8 घंटा पढ़ाना, इंटर फाइनल आईपीसी नोट्स अपडेट करना, फिर दुनिया भर के क्वेश्चनर्स चार्ट्स ये रिवीजन वो रिवीजन, तो कहाँ हम डिलीवरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ वो भाई लेक्चर बन रहे हैं, एडिट हो रहे हैं, इनक्रिप्ट हो रहे हैं, इनक्रिप्ट होने के बाद पेन ड्राइव बन रहा है, पेन ड्राइव होने के बाद पेन ड्राइव चेक हो रहा है कि कहीं कोई लेक्चर कहीं
प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ओके सभी लेक्चर्स उसमें कॉपी हो रहे हैं क्या चेक होने के बाद, ओके यहाँ पे पैकिंग हो रही है, पैकिंग होने के बाद बुक्स पैक हो रहे हैं प्रॉपरली, बुक्स जो है इसी अटेम्प्ट के, मेरा सब्जेक्ट तो इतना खराब है कि भाई ये अटेम्प्ट के स्पेशल बुक प्रिंट होके आए क्या, अमेंडमेंट होके आए हैं क्या, अरे है ना, वो पैक होने के बाद आपको डिस्पैच, डिस्पैच में होने के बाद आपको उसका जो डिस्पैच नंबर है, फिर आपको एसएमएस करना, एसएमएस होने के बाद आपके प्रॉब्लम, अब इतना पढ़ाई कि ये सब मैनेज करें, तो इसलिए हमने आउटसोर्स किया है। मेरा तो आउटसोर्सिंग यहाँ पे जिस नो डाउट मेरी कंपनी है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, पर वो एज अ कंपनी मैंने आउटसोर्स कर दिया है कि यहाँ एक बार रिकॉर्ड हो गया, यहाँ कॉपी रिकॉर्ड हो गया एडिटिंग से लेके तो हमारा कॉल सेंटर तक सब वो हैंडल करते हैं। इज इट क्लियर? तो अब गड़बड़ है, अब ये फैसिलिटेट भी कर रहा है, अरे समझ में आया ना, ये फैसिलिटेट भी कर रहा है प्लस ये बात का बीपीओ भी संभाल रहा है, तो फिर ऐसे केस में क्लैरिफिकेशन थोड़ा वेग है। तीसरे सिनारियो में वो कहते हैं डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, कि डोमिनेंसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है। जैसे मेरे इसमें तो प्योरली इंटरमीडिएट आएगा क्योंकि वो एडिटिंग से लेके तो बीपीओ, बीपीओ डोमिनेंट नहीं है, हमारा है पूरा मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द सप्लाई। अरे यस और नो, तो मेरे इसमें तो नो डाउट इंटरमीडिएट आएगा, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। और नाउ सब यहाँ पे नीचे इट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सप्लायर ऑफ आईटी इनेबल सर्विसेज हु इज नॉट एन इंटरमीडिएट अंडर सेक्शन 213 ऑफ आईजीएसटी एक्ट कैन अवेल बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस इफ ही सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ क्या, एक्सपोर्ट, ओके 26 मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में क्लैरिफिकेशन, ये फीस रॉन्गली प्रिंट हुआ, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रायोरिटी सी में रखना। हाँ, पर ऊपर वाला जो है आईटी इनेबल सर्विसेज का अच्छे से पढ़ के जाना। चलो ये पढ़ा देता हूँ आपका। इट इज स्टेटेड दैट नंबर ऑफ कंपनी दैट पार्ट of growing electronic semiconductor and design manufacturing industry in India are engaged in the process of developing software and designing integrated circuits electronically for customer located overseas. India ki simple way mein samjhao to India ki bahut si aisi companies hai jo electronic semiconductor ki design bhi karti hai, software designing software bhi banati hai aur designing bhi karti hai, uska circuit pura design karti hai. Now सेकेंड पैरा, द क्लाइंट कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड इंडियन डेवलपमेंट एंड डिजाइन कंपनीज विद डिजाइन रिक्वायरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्लॉक्स, जिसे आईपी ब्लॉक कहा जाता है। तो जो फॉरेन कंपनी है वो जो क्लाइंट्स है वो इंडियन कंपनी को अपना कंसेप्ट समझाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करते हैं कि भाई हमें उनको सर्किट कैसा चाहिए, वो पूरा शेयर करते हैं, उसका लेआउट डिजाइन भी बताते हैं, लॉजिक भी बताते हैं, ओके एंड एक्सेट्रा। थर्ड पैरा, बेस्ड ऑन दिस इंडियन कंपनी डिजिटली इंटीग्रेट द वेरियस आईपी ब्लॉक्स, ओके ब्लॉक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड सिलिकॉन और हार्डवेयर डिजाइन, मतलब उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ब्लॉक शेयर किए उसके बेस पे उसकी डिजाइन बनती है और सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। दिस डिजाइन आर कम्युनिकेटेड एब्रॉड, जो फॉरेन क्लाइंट है उनको उसके साथ डिस्कस किया जाता है इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इधर टू कस्टमर और ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एज ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हार्डवेयर बेस्ड ऑन सच डिजाइन, मतलब उसकी जो डिजाइन बनाई गई और सॉफ्टवेयर बनाया गया वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में शेयर किया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उनके मैन्युफैक्चर को वो दे दिया जाता है। इन एडिशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल्सो इंटीग्रेटेड अपॉन और कस्टमाइज टू दिस हार्डवेयर, on some occasion sample of such prototype hardware are then provided back to Indian development and design companies to test and validate the software. जो इंडियन कंपनी ने डिजाइन दिया और सॉफ्टवेयर बना के दिया, ओके उसके बेस पे उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोटोटाइप बना के वापस इंडियन कंपनी को भेजती है फॉर टेस्टिंग कि भाई वो टेस्ट उस तरह से बना है या नहीं बना है।
Now issue. Whether provision of hardware prototype and sample and testing thereon leads these services a character of performance based services in respect of goods required to be made physically available by the recipient of provider. ठीक ठीक अब ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ टेस्टिंग है या पूरा डिजाइनिंग भी है? पूरे केस स्टडी में क्या सुना आपने मेरे से? डोमिनेंसी क्या है? टेस्टिंग मतलब वो प्रोटोटाइप आने के बाद टेस्टिंग या पूरा डिजाइनिंग है? मतलब सामने वाला अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, ब्लॉक शेयर कर रहा है, उसके बेस पे हम पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर और उसके आईपी ब्लॉक मर्ज करके वो हार्डवेयर में पर यूज होना चाहिए. वो किसके साथ शेयर कर रहा है बेटा? मैन्युफैक्चरर के साथ. और मैन्युफैक्चरर उसका एक प्रोटोटाइप बना के दे रहा है और वो प्रोटोटाइप हमारे पास आ रहा है, हम वो प्रोटोटाइप चेक कर रहे हैं. नो डाउट परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का मतलब सेक्शन 13(3)(a). कम ऑन 13(3)(a). सामने वाले ने गुड्स अवेलेबल करवा के दिया है और जो उसने गुड्स अवेलेबल करवा के दिया उसके बेस पे हम क्या दे रहे हैं? सर्विसेज. पर मुझे ये बताओ कि हाँ मैं मानता हूं कि उसने प्रोटोटाइप दिया, पर प्रोटोटाइप प्राइमरी स्टेप थी या वो लास्ट स्टेप थी? क्योंकि सामने वाले बंदे ने प्रोटोटाइप सप्लाई किया फिजिकल फॉर्म में जिसके ऊपर हमने क्या किया बेटा? टेस्टिंग. पर हमारा डोमिनेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोटाइप का टेस्टिंग करना था या पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना था? पूरा सॉफ्टवेयर और आईपी ब्लॉक्स बना के देना था. तो क्या लगता है ये 13(3) में जाएगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट या जनरल रूल अप्लाई होगा? मतलब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ये जनरल रूल में जाएगा या सिर्फ प्रोटोटाइप टेस्ट करने आया है इसलिए वो परफॉर्मेंस बेस में जाएगा? मेरे हिसाब से जनरल रूल में जाना चाहिए. देखो वो क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर इज इन्वॉल्व इन कंपोजिट सप्लाई, अंडरलाइन द वर्ड कंपोजिट सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर इज ऑफन एंसिलरी सप्लाई. वेर एज चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई फॉर सर्विस. पहले तो यह कंपोजिट सप्लाई है. कंपोजिट सप्लाई मतलब डिजाइनिंग एज वेल एज प्रोटोटाइप टेस्टिंग. ठीक है, इसमें से आपका बताओ डोमिनेंसी किसकी है? डिजाइनिंग की है. द सर्विस प्रोवाइडर नॉट इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अलोन, ओके, एज अ सेपरेट सर्विस. द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एम एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इट्स एंसिलरी एक्टिविटी. द एंटायर एक्टिविटी नीड टू बी व्यूड एट वन सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन. आर्टिफिशियली Vivisection and dividation of contract of composite supply is not provided in law. These cases are facts based and each case should be examined, okay, for the nature of supply contracted. Clarification dekho kya aaya. Therefore, important, it is clarified that place of supply of software designed by supplier located in a taxable territory to service recipient located in non-taxable territory by using sample prototype hardware test kit is a composite supply. Pehle to composite supply hai, whereas testing is an ancillary supply. Place of supply is the location of recipient under capita 13(2). Okay, or 13(3) apply nahi hoga kyunki testing ancillary hai. Is it clear? Okay, to ye tha regarding to yahan pe इनेबल सर्विस. या हमारा ये चैप्टर एंड होता है और ये बेटा क्या आईजीएसटी. चलो पर मैं इतना ही कहूंगा, जितने ज्यादा बार ये पढ़ोगे टेबल उतना ज्यादा वो लर्न होगा. अदरवाइज वैसे कंसेप्चुअली तो हो गया है पर सिर्फ कंसेप्ट के बेस पे आपको बाद में याद आ जाएगा ऐसा नहीं. कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे सबसे बेस्ट चैप्टर है आईटीसी आपको 2 महीने बाद भी पूछा ना तभी सेक्शन 16 याद आ जाएगा, T1 T2 याद आ जाएगा. दूसरा चैप्टर है कौन सा बेटा? कंपोजिशन स्कीम. कि कहीं तो भी आप इन्वॉल्व थे, कहीं तो भी ऑफिस में भी केसेस देखी थी, पर ये चैप्टर ऐसा है कि गैप हुआ कि आप बोले. ठीक है, तो चलो यहां एंड करते हैं ये आईजीएसटी चैप्टर.
नेक्स्ट वेल बेटा, तो हम अमेंडमेंट्स देखेंगे ऑन एग्जम्पशन. सो एग्जम्पशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई विच आर अप्लीकेबल फॉर मे 2020 एग्जामिनेशंस. वैसे कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, कुछ एग्जिस्टिंग एंट्रीज में अमेंडमेंट्स है और कुछ एंट्रीज नहीं आई हैं. ओके, तो चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. लीगल सेक्टर में जो अमेंडमेंट्स हुई है, आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था बाहुबली की तबीयत खराब हुई, हेल्थ केयर, पूजा पाठ में लग गया रिलीजियस और चैरिटेबल, फिर खेती का बंटवारा किया एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर लॉयर को बुलाया लीगल सेक्टर. तो लीगल सेक्टर में क्या अमेंडमेंट हुई, जैसे आपको ये तो मैंने चार्ट बना के दिया था अगर आपको याद होगा तो. लेट्स टेक एग्जाम्पल. चलो आप भी चार्ट बना लो मेरे साथ, नीचे जगह रखी है तो वो पूरा चार्ट पहले रिवाइज कर देता हूँ और फिर अमेंडमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेरे साथ आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा. लीगल सर्विस बाय इंडिविजुअल एडवोकेट. चार्ट बनाते वक्त आपको याद आ जाएगा एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट. हमने आपको याद होगा तो फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर फर्स्ट पार्ट, ज्यादा स्पेस रखना फर्स्ट पार्ट के लिए. तो चार पार्ट्स आएंगे, पहला सर्विस सप्लाइड. कुछ याद है आपको, टू बिजनेस एंटिटी, सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी. सेकंड, सर्विस सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी. तीसरा, सर्विस सप्लाइड टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी. और गवर्नमेंट एंटिटी. और लास्ट, सर्विस सप्लाइड टू अनादर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट. तो ये तो एग्जम्प्टी है बेटा, ये तो एग्जम्प्टी है. ये भी एग्जम्प्ट है. सो, ये तीन केसेस में एग्जम्प्शंस मिलेंगे, ये हमने देखा. ब्लैक कॉफी है. ओके, सो ये तीन केसेस में तो एग्जम्प्शंस मिलेंगे, ये हमने पहले पढ़ा है. सेम एग्जम्प्शन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में. लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते थे, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देते थे, तो उसमें दो पार्ट थे अगर आपको एग्जम्प्शन याद होगा तो. और रेगुलर बुक सामने रखा तो आपको एग्जम्प्शन याद आ जाएगा अगर आप रेगुलर बुक साथ में देख रहे होगे तो. अगर आपने मेरा क्लास किया होगा या किसी और का भी क्लास किया होगा तो भी याद आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट. तो बेटा क्या था कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं
या फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो वो केस में आरसीएम था और आरसीएम में टैक्स देने की जिम्मेदारी बिजनेस एंटिटी पे थी, तो आरसीएम में होने के वजह से सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी था, 30 दिन के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। आप मेरी बात समझे? तो बेटा इसमें क्या था प्रॉब्लम, ये था कि अगर लीगल सर्विस आप लेते हो और ये लीगल सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट से लेते हो, तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी पे आती थी और बाकी एडवोकेट अगर सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे या अनदर एडवोकेट को दे रहे, तो एग्जम्पशन ही था। अब क्या हुआ था कि दो बिजनेस एंटिटी नॉर्मली दो टाइप की होती थी, एक स्मॉल और एक मीडियम या लार्ज, मीडियम और लार्ज। अब मीडियम और लार्ज मतलब कौन सी, जिनके जो जीएसटी में रजिस्टर है, जो थ्रेशोल्ड नहीं ले रहे हैं, तो वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी भाई, रिवर चार्ज में क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, रिवर चार्ज में टैक्स दो और क्रेडिट ले लो, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, समझ लो एक छोटा पान शॉप वाला है, उसने लोकल अथॉरिटी, उसने कोई एडवोकेट सर्विस ले ली, अब उसने कोई एडवोकेट सर्विस ले ली तो रिवर चार्ज में उसे रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, उसका क्या टर्न ओवर है, 5 लाख का टर्न ओवर है बेचारे का, और 5 लाख के टर्न ओवर स्मॉल बिजनेस एंटिटी है, पर रिवर्स चार्ज के कंप्लायंसेस आ जाते हैं, रिवर्स चार्ज उसको डिस्टर्ब कर देता है। मेरी बात समझ में आया? अब वो रजिस्ट्रेशन अगर लेगा तो बचा हुआ 15 लाख, अभी तक तो वो अनरजिस्टर्ड था, थ्रेशोल्ड में था, तो बचा हुआ 15 लाख जो है बेटा, ये 15 लाख बचा हुआ, ओके, क्योंकि उसको थ्रेशोल्ड 20 लाख तक अवेलेबल होता था, तो बचा हुआ 15 लाख जो है वो 15 लाख अननेसेसरी लायबिलिटी में आता था, जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ते थे, जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ते थे, ये सारी बातें थी। तो स्मॉल बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को पूछा, क्या हम एडवोकेट सर्विस ले नहीं सकते, क्या हम छोटे लोग हैं इसलिए हमको हक नहीं बनता एडवोकेट सर्विस लेने का, ये क्या बात हुई भाई, ये बात क्या हुई, हमें समझ में नहीं आई, हमें एडवोकेट सर्विस जो है चाहिए, पर अब बिजनेस एंटिटी है, रिवर चार्ज में लायबिलिटी कहाँ से क्रिएट करने लगे, कल जाके अगर कोई एडवोकेट से हमने एफिडेविट बना लिया और उसको पेमेंट कर दिया तो कंपलसरी रिवर चार्ज में, ये कोई बेतुकी बात हुई यार, बात कुछ समझ में नहीं आई। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई स्मॉल लोगों को हम एग्जम्पशन देने के लिए रेडी है, स्मॉल लोगों को एग्जम्पशन देने के लिए रेडी है, मतलब अगर वो स्मॉल एंटिटी होगी तो चलो भाई ये सर्विस ही एग्जम कर देते हैं, अगर सर्विस की एग्जम करते हैं तो ये माथापच्ची ही खत्म हो जाती है, मतलब रिवर चार्ज में कोई टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि रिवर चार्ज फॉरवर्ड चार्ज तो तब आएगा जब लायबिलिटी होगी, जब एग्जम्प्टी कर दिया तो लायबिलिटी किस बात की। तो पुरानी प्रोविजन ऐसी थी कि जो सर्विस ले रहा है बिजनेस एंटिटी, उसका प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर, कम ऑन, उसका प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 10 लाख उससे कम होगा, पर प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, तो फिर एग्जम्प्ट रहेगा और रिवर्स चार्ज नहीं अप्लाई होगा, तो फिर उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा और एग्जम्पशन मिल गया तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। आई बात समझ में? ये प्रोविजन थी, लेकिन हुआ क्या, अब पहला रीजन उन्होंने पहला, अब हुआ क्या, 20 लाख और 10 लाख हुआ यूँ बेटा कि क्या हुआ, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिमिट बदल रही है, ओके, कहीं पे 10 लाख है, कहीं पे 20 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट, और कहीं पे अभी 40 लाख कर दिया है, 40 लाख कहाँ की आपको पता है, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए अगर शर्तें पूरी होती है तो सेक्शन 23 में एक नोटिफिकेशन दिया 10-2000 यहाँ पे 18, और उसमें इन्होंने यहाँ वो नोटिफिकेशन में उन्होंने यहाँ 10-2019 के नोटिफिकेशन में उन्होंने यहाँ पे एग्जम्पशन दे दिया, ओके, और 40 लाख का। तो भाई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये एग्जम्पशन चेंज कर रही है, थ्रेशोल्ड चेंज कर रही है, पर हमने तो फिक्स करके रखा था
20 लाख और 10 लाख। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये बिजनेस एंटिटी, ओके, ये बिजनेस एंटिटी जो है 20 लाख का थ्रेशोल्ड ले रही है प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर ओके 40 लाख तक है, और 40 लाख में होने की वजह से वो यहाँ पे एग्जम्पशन ले रही है। अब 40 लाख का एग्जम्पशन ले रही है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या कह दिया, आपने तो 20 लाख की लिमिट दी रिवर्स चार्ज में, ओके, एडवोकेट से सर्विस लेते तो 20 लाख की लिमिट ले दी है। यानी अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि 20 लाख के बाद अगर उसका टर्नओवर हुआ, सुनिएगा, 20 लाख के बाद उसका अगर टर्नओवर हुआ तो वो रहेगा, वैसे तो वो अनरजिस्टर्ड रहेगा क्योंकि उसको एग्जम्पशन 40 लाख है, पर रिवर्स चार्ज में जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, स्पेशली 20 लाख के बाद, क्योंकि वो 40 लाख की लिमिट लेने वाला था पर रिवर्स चार्ज में की वजह से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लीगल सर्विस में 20 लाख और 10 लाख ही आपने दिए तो बेचारा तो रजिस्ट्रेशन में फंस जाएगा। और ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में अब बहुत से स्टेट 10 लाख से 20 लाख में आ गए तो वो भी बेचारे फंस जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा, छोड़ भाई यार, ये 10 लाख 20 लाख ऐसे अमाउंट नहीं यूज़ करते हैं, ओके, और उसके जगह एक नया वर्ड डाल देते हैं। तो उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहो या एडवोकेट सर्विस कहो या सीनियर एडवोकेट सर्विस कहो, ओके, उन्होंने लिमिट क्या डाल दी। अब उन्होंने 10-20 लाख को काट दिया और उन्होंने कहा कि सच अमाउंट, देखो ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, थोड़ा पढ़ता हूँ, ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर एज मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट। मतलब वो बंदे का पिछले साल का अगर एग्रीगेट टर्नओवर, सुनिएगा, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट तक ही था जो उसे एग्जम्पशन दिलवाता था, उतने ही लिमिट तक का था जो उसे एग्जम्पशन दिलवाता था, लीगल सर्विस में भी सेम अमेंडमेंट किया, तो वो बंदा अगर करंट फिनेंशियल ईयर में कोई भी लीगल सर्विस लेगा तो यहाँ पे उसके ऊपर GST नहीं आएगा। एक बार फिर से, प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट तक था जो उसे एलिजिबल करवाता था फॉर एग्जम्पशन, तो फिर वो 10 लाख होगा तो 10 लाख, 20 लाख होगा तो 20 लाख, 40 लाख होगा तो 40 लाख, तो उतने लिमिट तक उसे अगर एलिजिबल करवाता है फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर में वो अगर लीगल सर्विस लेता है तो वो सिचुएशन में GST नहीं आएगा। अब आपको ये पता है कि 40 लाख का जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सुनिए मेरी बात, 40 लाख का जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ किसके लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए 10 या 20 ही है, और जो 40 लाख का एग्जम्पशन सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है उसमें भी बहुत स्टेट्स उसके लिए रेडी नहीं है, ओके, बहुत से स्टेट में तो 20 लाख का ही है, जैसे मणिपुर, मेघालय 10 लाख का है, ओके, उसके बाद में अगर आप ये देखें तो उत्तराखंड वगैरह जो है, ओके, उन वहाँ 20 लाख है, उन्होंने 40 लाख की लिमिट नहीं ली है, वाटर रेट में भी। तो गवर्नमेंट कहती है हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है, हमें बस इतना मालूम है कि आपके स्टेट में अगर आपने उतने ही टर्नओवर तक, ओके, उतने ही टर्नओवर तक अपना एग्रीगेट टर्नओवर किया, उतने ही वैल्यू तक आपने एग्रीगेट टर्नओवर किया जो आपको एग्जम्पशन में रखता था, तो ऐसे सिचुएशन में करंट फिनेंशियल ईयर में आपको, आई रिपीट, करंट फिनेंशियल ईयर में आपको जो है लीगल सर्विस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस हो या फिर ये सर्विस हो। थोड़ा मैं इसका एनालिसिस और करूँगा बेटा, ओके, पर शायद आपको समझ में आया होगा, ओके, तो ये कन्फ्यूजन उन्होंने अवॉइड किया। तो थोड़ा मैं पहले पार्ट वाले चार्ट में चेंज कर देता हूँ, और ये पहले वाला चार्ट जो है बाकी तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, तो पहला वाला पार्ट कैसे चेंज होता है तो लिखो, इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ PFY अप टू सच अमाउंट
which up to such amount which makes it eligible for exemption from registration. पिछले साल उसने उतने ही लिमिट तक टर्न ओवर किया जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता है, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. कम ऑन, मतलब बिलो थ्रेशोल्ड. फिर थ्रेशोल्ड 10 लाख हो, 20 लाख हो या 40 लाख हो. डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरोस, राइट डाउन. सर्विस इज एग्जम्प्टेड, सर्विस इज एग्जम्प्टेड and RCM is not applicable. Service is exempted and RCM is not applicable. And second part, in other case, simple word, in other case means that is turn or more than threshold. That is aggregate turnover more than threshold. Then service is taxable. Aggregate turnover more than threshold. Downward arrow. Service is taxable. Service is taxable. And RCM is applicable. Service is taxable and RCM is applicable. तो बेटा ये अमेंडमेंट उन्होंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी किया, सेम अमेंडमेंट उन्होंने एडवोकेट की लीगल सर्विस के लिए भी किया, यहाँ पे एडवोकेट की लीगल सर्विस के लिए भी किया. और नेक्स्ट पेज पे अगर आओगे तो सीनियर एडवोकेट अगर देता है, आपको याद है सीनियर एडवोकेट के लिए थोड़ा डिफरेंस है, एग्जम्पशन के पहले पढ़ लेना बेटा थोड़ा. सीनियर एडवोकेट के लिए एक डिफरेंस ये है कि अगर सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है, सुनिए मेरी बात, सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल है. लेकिन हाँ, दूसरा एडवोकेट अंडर बिजनेस एंटिटी, ओके, ये थ्रेशोल्ड वाला एग्जम्पशन ले सकता है. ओके, तो सीनियर एडवोकेट के लिए भी उन्होंने जो है यहाँ पे सेम अमेंडमेंट किया. हर जगह से 20 लाख और 10 लाख निकाल कर, आई रिपीट, हर जगह से 20 लाख और 10 लाख निकाल के उन्होंने वर्ड डाल दिए अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मेक्स इट्स एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. ओके, यहाँ पे तो ये तीनों में उन्होंने चेंजेस करवा दिए. चलिए, लेकिन मैं थोड़ा इसको एनालिसिस करना चाहता हूँ. पहला एनालिसिस यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड में होगा, मतलब विच मेक देम एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. सिंपल वर्ड में प्रीसीडिंग थ्रेशोल्ड में होगा, मे बी 10 लैक्स, मे बी 20 लैक्स, मे बी 40 लैक्स इन सर्टन केसेस. और ये बंदा लीगल सर्विस इंडिविजुअल एडवोकेट से लीगल सर्विस लेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में लीगल सर्विस लेगा, तो वो जो है लीगल सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन मिलेगा. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एग्जम्पशन करंट फाइनेंशियल में ईयर में है, पर इस शर्त पे है कि पिछले साल, कम ऑन, पिछले साल वो थ्रेशोल्ड के नीचे होना चाहिए, मतलब ऐसी अमाउंट के नीचे होना चाहिए जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकती है, एग्जम्पशन करंट ईयर में. और करंट ईयर में जितनी भी वो सर्विसेज लेगा, लीगल सर्विसेज, ओके, और जितने बार भी लेगा सब एग्जम्पशन में रहेगा करंट ईयर में. दूसरी बात, करंट ईयर में उसका टर्नओवर क्यों ना यहाँ पे 200 लाख हो, करंट ईयर के टर्नओवर पे उसका कोई लेना देना नहीं है. ये एग्जम्पशन आपने प्रीवियस ईयर की कंडीशन अगर फुलफिल कर दी
तो आपको करंट ईयर में इस बिजनेस एंटिटी को करंट ईयर में रिवर चार्ज में लीगल सर्विस पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आरसीएम में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ना उसका टर्न और करंट ईयर में ओके भाई 200 करोड़ 300 करोड़ 600 करोड़ भी हुआ होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसने प्रीवियस ईयर की कंडीशन फुलफिल कर दी, करंट ईयर में जितनी भी लीगल सर्विस लेगा, एक बार लेगा 100 बार लेगा, वो सभी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। ओके, तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी अप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एडवोकेट को भी अप्लीकेबल है, और ये सीनियर एडवोकेट के केस में भी अप्लीकेबल है फॉर बिजनेस एंटिटी। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ओके, तो थोड़ा हम एक एनालिसिस करते हैं। ओके, तो राइट डाउन एनालिसिस हियर। ओके, पहले मैं टेबल ड्रॉ करूंगा, फिर आपने ड्रॉ करना। केसेस, नेचर ऑफ सर्विस, अप्लीकेबल थ्रेशोल्ड, देन टर्नओवर इन पीएफआई, इन पीएफआई स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पीएफआई, एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड लास्ट एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन इन करंट फाइनेंशियल ईयर ब्रैकेट में लीगल सर्विस, और एनालिसिस पे लिखना। डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जम्पशन डोंट राइट एनीथिंग, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। एग्जम्पशन फॉर लीगल सर्विस और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एटी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी, दिस शुड बी योर टाइटल। इतने कॉलम करो, एक एनालिसिस करो। चलो ये ड्रॉ करो, वहां जगह इनसफिशियंट होती है तो फिर नोटबुक में ड्रॉ करो।
चलिए तो एक काम थोड़ा चेंज कर लो, ये नेचर ऑफ सप्लाई कर लेना, नेचर ऑफ सर्विस नहीं, नेचर ऑफ सप्लाई, और बाकी आपने ड्रॉ किया होगा। केस ए लेते हैं, केस ए, उसमें उसका सप्लाई ऑफ सर्विस है, थ्रेशोल्ड उसे 20 लाख का एलिजिबल है, क्योंकि वो मणिपुर, मेघालय, सॉरी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड में नहीं है, ये चार स्टेट में 10 लाख है, वो स्टेट में नहीं है, वो 20 लाख वाले इसमें आता है। उसका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख ही हुआ, प्रीवियस ईयर में वो अनरजिस्टर्ड बंदा था, करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर उसका 18 लाख ही है, और करंट ईयर में भी उसका स्टेटस अनरजिस्टर्ड ही है, अनरजिस्टर्ड ही है। क्या उसे जिसने जो लीगल सर्विस ली करंट फिनेंशियल ईयर में, लीगल सर्विस ली करंट फिनेंशियल ईयर में, क्या उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा? यस, एग्जम एंड नो आरसीएम, एंड नो आरसीएम, एग्जम रहेगा और आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा सिचुएशन बी, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, उसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, ध्यान से देखना, उसको थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल है 40 लाख सेक्शन 23 के तहत, प्रीवियस ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर, बी केयरफुल, प्रीवियस ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर 25 लाख था, अब एग्जम्पशन के हिसाब से आंसर देना, स्टेटस अनरजिस्टर्ड था, करंट ईयर का उसका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ 70 लाख हो गया और स्टेटस रजिस्टर्ड हो गया, स्टेटस रजिस्टर्ड हुआ, बी केयरफुल, ध्यान से आंसर देना बेटा, 25 लाख था वो 40 लाख के लिए एलिजिबल था, तो 40 लाख उसका थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 25 लाख ही टर्नओवर हुआ था पिछले साल, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं था, करंट ईयर में 70 लाख तक पहुंच गया, यहाँ पे रजिस्टर्ड बंदा है, सिचुएशन क्या होगी? करंट ईयर में जितनी भी वो लीगल सर्विस लेगा क्या होगा? वो लीगल सर्विस पूरे साल भर में जितने भी लेगा क्या एग्जम्प्ट रहेगा? आंसर इज बेटा क्या, यस एग्जम्प्ट रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, क्यों? कि करंट ईयर में वो रजिस्टर्ड है नहीं है, करंट ईयर का टर्नओवर क्या है उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना नहीं है ना, वो सिचुएशन में उसे एग्जम्प्शन मिलेगा एंड नो आरसीएम, आरसीएम नहीं लगेगा। नाउ केस थ्री, अगर आप समझ रहे हो इस बात को तो तीसरी केस लेते हैं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में या सप्लाई ऑफ गुड्स में है, 10 लाख लिमिट है, क्योंकि एमएमटी टू नागालैंड, कुछ याद है आपको? वो एमएमटी मतलब क्या बेटा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, एमएमटी टू नागालैंड, वो स्टेट में बनता है, इसलिए उसको 10 लाख का ही लिमिट मिलता है। पिछले साल उसने 8 लाख का टर्नओवर किया, बंदा अनरजिस्टर्ड था, करंट ईयर में उसने 40 लाख का टर्नओवर कर दिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, बताइए क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में यस आंसर सेम होगा कि वो एग्जम्प्ट रहेगा और उसे पूरे साल लीगल सर्विस का एग्जम्पशन मिलेगा फॉर एंटायर ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर उसकी वो ऐसे थ्रेशोल्ड में था कि उसकी लायबिलिटी जो है उसको एग्जम्पशन के बाहर रखती थी। नाउ डी केस, सुनिएगा ध्यान से, डी केस बड़ी अच्छी है। प्रीवियस ईयर में वो सप्लाई ऑफ सर्विस में था, 15 लाख का टर्नओवर किया, सॉरी उसको थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल था 20 लाख, थ्रेशोल्ड अप्लीकेबल था 20 लाख, उसका टर्नओवर एक्चुअल 15 लाख ही था, पर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, वेरी गुड, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, मेरी बात समझे? मतलब वो रजिस्टर बंदा था, करंट ईयर में उसका टर्नओवर यहाँ पे 30 लाख हुआ और वो रजिस्ट्रेशन में ही है, अब बताइए क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
देखो 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 ध्यान से सुनना, उसका टर्नओवर उतना ही था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, पर बंदे ने एग्जम्पशन नहीं लिया, बंदे ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो क्या अब वो पिछले साल से ही रजिस्टर्ड बंदा था? तो क्या करंट ईयर में, क्योंकि करंट ईयर का तो टर्नओवर हम देखते ही नहीं है, करंट ईयर का स्टेटस भी हम नहीं देखते हैं, हम तो प्रीवियस ईयर के स्टेटस बेस के करंट ईयर में लीगल सर्विस को एग्जम्पशन दे देते हैं। तो सवाल आपसे ये है कि क्या करंट ईयर में उसे एग्जम्पशन मिलेगा क्या? तो उसके लिए थोड़ा वर्डिंग से पढ़ते हैं। वर्डिंग से कहते हैं, अ बिजनेस एंटिटी विच एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। पहले तो अगर आप वर्डिंग्स पढ़ो तो वर्डिंग से ये कहीं नहीं पता चलता है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर बंदे ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा और थ्रेशोल्ड में होगा तो करंट ईयर में एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। जो अमेंडमेंट हुई वो अमेंडमेंट के हिसाब से ये है बेटा कि अगर पिछले साल उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक है जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, अब उसने एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है, हाँ उसने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया उस पर बात नहीं है, बात अमाउंट पे चालू है। तो नाउ बात यह है कि बंदा रजिस्ट्रेशन ले चुका है, पर हाँ उसका टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक था, कमा सुनिएगा, उसका टर्नओवर उतने ही अमाउंट तक था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, 15 लाख का ही टर्नओवर था एक्चुअल उसका, जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। तो हमें प्रीवियस ईयर का डेटा लेते वक्त क्या ये देखना है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है, या ये देखना है कि उसका टर्नओवर यानी टर्नओवर बेस जाना है कि उसका टर्नओवर उतने लिमिट में है जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता है या दिलवा सकता था। तो बेटा इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, वर्डिंग्स यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। एक इंटरप्रिटेशन यही आता है कि बंदे ने रजिस्ट्रेशन ले लिया था, क्यों ना उसका 15 लाख हो, तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर में रिवर चार्ज में लायबिलिटी आती है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये आता है कि वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसका टर्नओवर अप टू सर्टन अमाउंट था, अप टू सच अमाउंट था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, तो ऐसे केस में उसने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया होगा तो भी यहाँ उसे एग्जम्पशन मिलेगा। भाई यहाँ मैं अपना ओपिनियन, ऑथर ओपिनियन देता हूँ, सिचुएशन क्लियर नहीं है, ऑथर का क्या ओपिनियन है? ऑथर का ओपिनियन है कि एग्जम्पशन मिलना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट डिस्कशन, डोंट सेंड व्हाट्सअप टू मी, और यूट्यूब के नीचे भी कोई कमेंट नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है। फोर्थ केस में मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो रजिस्टर्ड है या नहीं है ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर उतने लिमिट के अंदर था जो उसे एग्जम्पशन एलिजिबल करवा सकता था, तो एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एलिजिबल करवा सकता था। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से वो एग्जम्प्ट होना चाहिए एंड नो आर सी एम इज़ अप्लीकेबल, ये मेरा आपसे कहना है। आर यू गेटिंग मी बेटा? यस और नो? चलो, और अगर जगह होगी तो एक और केस, अगर जगह होगी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो या सप्लाई ऑफ गुड्स हो, उसका समझ लो 20 लाख का ही थ्रेशोल्ड है और एक्चुअल टर्नओवर उसका 80 लाख था, मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर ही था, बंदा रजिस्टर्ड था, करंट ईयर में 120 लाख है, बंदा रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो एग्जम्पशन, उसको कोई एग्जम्पशन, नो एग्जम्पशन एग्जम्पशन एंड आर सी एम इज़ अप्लीकेबल। ओके, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में मोर देन थ्रेशोल्ड है, मोर देन थ्रेशोल्ड की वजह से उसे सवाल ही नहीं है, करंट ईयर में कोई एग्जम्पशन उसे नहीं मिलेगा। तो बेटा ये टेबल हमने देखा।
एक एनालिसिस हमने किया ये एरिया में. चलो यहाँ हमने ख़त्म किया लीगल सेक्टर. कम ऑन, यहाँ हमने ख़त्म किया लीगल सेक्टर. ठीक है, उसके बाद में बेटा सेम प्रोविजन गवर्नमेंट सेक्टर में भी थी. अगर आपको याद होगा, सुनिए ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है. आई रिपीट, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है वो केस में. लेकिन अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख उसके नीचे हो, पुरानी प्रोविजन उसके नीचे हो, तो एग्जम्पशन होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा. लेकिन यहाँ से भी 20 लाख और 10 लाख हटा दिया है और उसके जगह वही वर्ड लाए सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट. ओके, तो अब गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, आई रिपीट, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उतने लिमिट तक था जो उसे एग्जम्पशन दिलवा सकता था, तो ऐसे केस में करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट से ली उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा. और वैसे ये जो थ्रेशोल्ड वाला एग्जम्पशन है, ये टर्नओवर वाला एग्जम्पशन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, रेंट ओके वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अप्लीकेबल नहीं होता है, और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी को भी अप्लीकेबल नहीं होता है. मतलब अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज किसी को भी दो, कितने रुपए के भी दो, तो भी टैक्सेबल है, और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, वो रिवर्स नहीं, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है. या फिर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, ये सर्विसेज किसी भी को भी दो, ओके, तो ये टैक्सेबल रहेगी. वो फिर वो सामने वाली बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 20 ओके थ्रेशोल्ड के नीचे हो या ना हो, उससे लेना देना नहीं है, वो टैक्सेबल रहेगी बेटा यहाँ पे. तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिमिलर लाइन पे अमेंडमेंट हुई. ओके नेक्स्ट, ये हमने देखा गवर्नमेंट सेक्टर में सिमिलर लाइन पे ये अमेंडमेंट की गई. नेक्स्ट बेटा एक एग्जम्पशन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सेक्टर में सर्विस बाय वे ऑफ हायर, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अंडरलाइन हायर, टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी आउट मोर देन 12 पैसेंजर. नाउ गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैंने ये एग्जम्पशन पढ़ाया था. एक्चुअली ये एग्जम्पशन गुड्स ट्रांसपोर्ट का नहीं था, ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ऑन हायर. देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट सर्विस देना और हायरिंग देना, इन दोनों में फ़र्क है. ट्रांसपोर्ट सर्विस देना मतलब व्हीकल मेरा, व्हीकल मेरा, ड्राइवर मेरा, सब कुछ मेरा, पैसेंजर बैठेगा या गुड्स देगा और हम लेके जाएंगे, ये हुआ गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें कस्टडी आप मोटर व्हीकल की नहीं देते हो. आप जो है गुड मोटर व्हीकल की कस्टडी अपने पास रखते हो. मेरी बात समझ में आई आपको? मोटर व्हीकल की कस्टडी अपने पास रखते हो, ड्राइवर भी आपका होता है, सब कुछ आपका होता है, सामने वाला पैसेंजर बैठेगा और आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दोगे, सामने वाला गुड्स देगा और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दोगे. लेकिन हायरिंग सर्विस में जब आप कोई मोटर व्हीकल हायर पे देते हो, रेंट पे देते हो, तो आप उसे पूरी कस्टडी दे देते हो कि भाई ये रही कस्टडी, पूरी कस्टडी आपने उसको दे दी, बस मुझे रेंट दे दे. ओके, ओनरशिप आपके पास है, गुड्स की कस्टडी तू ले ले, ड्राइवर तेरा, कस्टडी तेरा, सब कुछ तेरा. तो ये बात हुई रिगार्डिंग टू गुड्स की कस्टडी. तो हम हायरिंग जो है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. अगर आपने हायरिंग पे दिया टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन फॉर मोर देन 12 पैसेंजर एंड ए बस. ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि बस अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो तो वो एग्जम्पशन में है, मतलब
इन महाराष्ट्र एसटी कॉरपोरेशन स्टेट ट्रांसपोर्ट ओके कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग्स उनको देते हो बस हायर पे, कभी कभी उनको समर में दिवाली सीजन में लगती है तो वो एग्जम्प्ट है। इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट उन्होंने ये लाई, अगर आपने लोकल अथॉरिटी को बसेस खरीद के रेंट पे दी तो लोकल अथॉरिटी को दिया और वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल होगा मीन टू कैरी आउट मोर देन 12 पैसेंजर, ये अमेंडमेंट आई बेटा। तो अमेंडमेंट ये है कि अगर आपने कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल जो बैटरी से चार्ज होता है या पावर से चार्ज होता है, ऐसी बस जैसे पुणे में आ गई है बेटा ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस, अगर किसी ने कोई कंपनी है एक्स वाई जेड उसने बस खरीदा और ये लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचायत इनको ये बसेस हायर पे दी रेंट पे दी, ये समझ में आया, इनको ये बसेस रेंट पे दी ओके, जिसमें नो डाउट पैसेंजर कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है तो उसको एग्जम्पशन दिया गया। तो पहले केस में अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को और दूसरे केस में लोकल अथॉरिटी को, ये डिफरेंस है। पहले केस में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बसेस देते हो, कम ऑन आई नीड योर अटेंशन, पहले केस में स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को बसेस देते हो, फिर वो कोई भी बस दो, पहले केस में तो कोई भी बस दो, वो पेट्रोल बस दो डीजल बस दो या आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बस दो, वो तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया तो एग्जाम। दूसरा स्पेशली लोकल अथॉरिटी को आपने अगर पेट्रोल वाली बस दी तो एग्जम्पशन नहीं, आपने डीजल वाली बस दी तो एग्जम्पशन नहीं, अगर लोकल अथॉरिटी को आपने रेंट पे दी और वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ई वो ई ओ वी वाली व्हीकल अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया तो ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी, तो ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में आपने मोटर व्हीकल जीटीए को दिया तो एग्जम्पशन है, और आपने नेक्स्ट बाकी तो वही है, या आपने ओके ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को मोटर व्हीकल दिया जो आगे स्कूल को सर्विस देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी स्टाफ और स्टूडेंट, यानी आपने ऐसे बस ऑपरेटर को बसेस हायर पे दी मोटर व्हीकल हायर पे दिया जो आगे स्कूल को सर्विसेज दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, देन दैट इज एग्जम्प्टेड। तो इसमें बस एक छोटी सी अमेंडमेंट ये हुई है कि लोकल अथॉरिटी को ई ओ वी वाली बसेस दिया तो उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है इस एरिया में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है बेटा ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कुछ एग्जम्पशन। 19A और 19B में एक छोटा सा एग्जम्पशन हुआ है, अगर आपको याद होगा तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लीयरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, और दूसरा वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। थोड़ा याद दिला दूं, मैंने ये एग्जम्पशन इस तरह से पढ़ाया था, बाहर से अगर गुड्स बाय वेसल आ रहा है और बाहर से गुड्स बाय एयर आ रहा है, एयरक्राफ्ट से आ रहा है गुड्स, बेटा हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं। नाउ बाय एयरक्राफ्ट आता है बाहर से इंडिया में, तो ये एयरक्राफ्ट वाला एग्जम्पशन, एयरक्राफ्ट से आता है बाहर से इंडिया में तो एग्जम था, लेकिन वेसल से आता है तो टैक्सेबल था, टैक्सेबल था, और शिपिंग कंपनी फॉरेन शिपिंग कंपनी हो तो रिवर चार्ज में जो है उसके ऊपर टैक्स आता था। नाउ सेकेंड, अगर आपका याद होगा टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन होगा, हो सकता है बाय वेसल हो और बाय एयर हो, ओके बाय एयर हो, तो इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल और एयरक्राफ्ट ये टैक्सेबल होगा। लेकिन बात अब क्या है, बात है अगर कोई एयरलाइन कंपनी, ध्यान से देखना, एयरलाइन कंपनी या शिपिंग कंपनी, एयरलाइन कंपनी या शिपिंग कंपनी इंडिया के कोई एक्सपोर्टर को ओके उसके गुड्स, नाउ एक्सपोर्टर के जो गुड्स है ओके वो गुड्स उनके शिप में या एयरक्राफ्ट में
ट्रांसपोर्ट करवा के दे रही है, ओके, फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ओके, सो ये यहां पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये सर्विस, ओके, इस एक्सपोर्टर के लिए है तो इनपुट सर्विस, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये एक्सपोर्टर के लिए है तो इनपुट सर्विस बेटा, इनपुट सर्विस, उसने सर्विस ली अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। सो गवर्नमेंट कहती है वो जो सर्विस लेने वाला एक्सपोर्टर वो सर्विस जो है एग्जम्प्ट रहेगी, इनकी सर्विस जो है एग्जम्प्ट रहेगी, इन पे कोई टैक्स नहीं होगा। पहले ये एग्जम्प्शन ये एग्जम्प्शन 30 सितंबर 2019 तक ही था, उसके बाद नहीं था, पर ये एग्जम्प्शन अब एक्सटेंड करके 2020 तक कर दिया गया है। मतलब कोई भी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी, सुनिएगा, कोई भी शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे और ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंडियन एक्सपोर्टर को दे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम दिस प्लेस टू आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी और ये ट्रांसपोर्टेशन पे फिलहाल सितंबर 2020 तक कोई टैक्स नहीं आएगा। बहुत बड़ा रिलीफ था बेटा एक्सपोर्टर को, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो भी वो सर्विस लेता है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई होता है, तो जो भी वो सर्विस लेता है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स तो वो केस में जीरो रेट सप्लाई में उसे रिफंड मिलता है या ITC मिलता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में रिफंड क्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे केस में एग्जम्पशन ही अवेलेबल है, तो मेजर उसकी सर्विस जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो एग्जम्पशन में ही रहेगी, मतलब रिफंड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एग्जम्पशन लिमिटेड पीरियड तक है और वो 2020 तक ही एक्सटेंड किया गया है, उसके बाद में शायद गवर्नमेंट रिफंड देना चाहती है, एग्जम्पशन नहीं देना चाहती है। अभी तो गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया एक्सपोर्टर को, यानी अगर ये सर्विस एक्सपोर्टर लेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो फिलहाल तो एग्जम्पशन में है, पर ये एग्जम्पशन गवर्नमेंट सितंबर 2020 तक ही देना चाहती है, बाद में शायद गवर्नमेंट रिफंड दे। आर यू गेटिंग मी? तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे, दोनों केस में, वो एयरक्राफ्ट हो या वेसल हो, दोनों केस में एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट चलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक वाला ये था कि होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट बाय व्हाट एवर द नेम कॉल्ड फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो और इक्वल्स टू 1000 और 1000 पर डे और इक्विवेलेंट, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं। वो क्या था, अब सुनिए, जैसे अगर आप एग्जम्पशन पढ़ोगे बेटा सामने बुक रखो तो ही ये अमेंडमेंट अच्छे से समझ में आएगी, अगर आपको पुरानी प्रोविजन याद होगी, ठीक है। एग्जम्पशन ऐसा था कि इंडिया के सभी होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट, जो रेसिडेंशियल मतलब अपनी रूम्स रहने के लिए जो रूम्स होती हैं वो अगर रेंट पे दे रहे हैं और जो रूम रेंट पे दी जा रही है उसकी वैल्यू, आई रिपीट, उसकी वैल्यू उनकी 1000 से कम होगी तो एग्जम्पशन मिलेगा। समझ लो मेरा होटल है, आपने ऐसी रूम बुक की जिसकी नेट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, जब भी मैं वैल्यू कहूँगा तो 15-1, 15-2, 15-3, 15-1 ट्रांजेक्शन वैल्यू, 15-2 के एडिशन और 15-3 का डिडक्शन डिस्काउंट का, तो ऐड करके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड करके डिस्काउंट डिडक्ट करके जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर यहाँ 1000 से कम होगी तो वो सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। समझ लो मेरे होटल में 2-3 कैटेगरीज की रूम्स हैं, आपने यहाँ पे 900 वाली रूम बुक किया, कम ऑन, आपने यहाँ पे 900 वाली रूम बुक किया तो ऐसे सिचुएशन में
ओके टोटल सभी डिस्काउंट डिस्काउंट काट कर ऐड करके 900 रुपए हुए, तो ऐसे सिचुएशन में टैक्स नहीं आएगा। कोई दूसरा कस्टमर आया, उसने 1500 रुपए वाली बुक किया, ओके सब ऐड करके डिस्काउंट डिडक्ट करके सब कुछ जो लेना देना करके सब नेट उसका रूम रेंट फाइनल हुआ 1500 रुपए, तो उसको मैं जीएसटी लगाऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कुछ इनवॉइस में मैं जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ, कुछ इनवॉइस में मैं जीएसटी लगा रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई, पहले वर्ड था बिलो 1000, अब उन्होंने इक्वल्स टू 1000 कर दिया है। अब इक्वल्स टू 1000 किया है मतलब क्या, मतलब डॉट 1000 तक भी अगर आपका रूम रेंट होगा तो आपको एक एग्जम्पशन मिलेगा। ओके वैल्यू अगर 1000 तक भी होगी तो नहीं मिलेगा। आगे जो उन्होंने वर्ड इक्विवेलेंट किया है, ये सिर्फ इक्विवेलेंट तो पहले से था नहीं, ये इक्विवेलेंट का मतलब ओके कोई आप होटल के वाउचर ला रहे हो और वो वाउचर की वैल्यू, होटल वाउचर्स होते हैं, वो वाउचर की वैल्यू 1000 या उससे कम होगी, तो इक्विवेलेंट का मीनिंग वो था कि 1000 मनी में दे रहे हो या इक्विवेलेंट कंसिडरेशन में दे रहे हो। इक्विवेलेंट कंसिडरेशन में भी वाउचर या डॉलर्स, आप डॉलर में, मैं बिल डॉलर में बना रहा हूँ, तो अगर मैं बिल डॉलर में बना रहा हूँ और वो डॉलर में जो बिल बना है उसको कन्वर्ट करके अगर अमाउंट 1000 से कम होगा तो नौ या इक्वल्स टू 1000 होगा तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जम्पशन था। ओके यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो है सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, टेंड्यू लीव्स और कॉफी एंड टी, इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है। ओके अगर इसका स्टोरेज सर्विस या वेयरहाउसिंग सर्विस होती, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, नाउ वेयरहाउसिंग और स्टोरेज को अलग अलग जगह एग्जम्पशन दिया हुआ है, इस पे प्रॉब्लम भी वो बना सकते हैं इस बार, उनका कोई भरोसा नहीं। अगर आपको याद होगा तो एपी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन दी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मीन्स एनी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑन विच नो प्रोसेसिंग इज डन और सच प्रोसेसिंग इज डन विच यूजुअली डन बाय कल्टिवेटर और प्रोड्यूसर विच डज नॉट चेंज एसेंशियल कैरेक्टर बट मेक इट मार्केटेबल टू द कंज्यूमर। मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो एग्रीकल्चर फार्म से निकला हुआ प्रोड्यूस, ज्वार, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके बाद में यहाँ पे कॉटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पर हमने डिस्कशन किया है। अगर आप एग्रीकल्चर सर्विस देखोगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा जो एज इट इज़ फार्म से निकला होगा या उस पर कोई ऐसी प्रोसेसिंग ना की गई हो जो यूजुअली कल्टिवेट, जो किसी थर्ड पार्टी ने की होगी, मतलब वो उतनी ही प्रोसेस की होगी जो यूजुअली कल्टिवेटर करता है, तो उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाएगा। और उसका वेयरहाउसिंग और स्टोरेज जो है वो पहले से ही एग्जम्प्ट था। उसके बाद में राइस को स्पेशल एग्जम्पशन दिया गया, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, कुछ याद आया आपको, राइस यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो वेयरहाउसिंग और स्टोरेज के केस में एपी को उन्होंने एग्जम्पशन दिया। उसके बाद में राइस को लोडिंग अनलोडिंग राइस को एग्जम्पशन दिया, और नाउ तीसरा एग्जम्पशन, ये उन्होंने लंबी लिस्ट बना के दी है, और ये तीसरा एग्जम्पशन ये लिस्ट में मिलने वाला है क्या, जैसे सीरियल्स और पल्सेस, देखना मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, सीरियल्स और पल्सेस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, जैसे चना, हरबरा, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पल्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पर उसके वेयरहाउसिंग को अलग से एग्जम्पशन दे दिया। फ्रूट्स, नट्स और वेजिटेबल, मैं थोड़ा तो सरप्राइज हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोलने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, क्यों, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ऑलरेडी एपी है, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो ऐसे सिचुएशन में, ध्यान से सुनिएगा, वो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो पहले से ही एग्जम्प्ट है, पर चलो इस लिस्ट में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना, ओके उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, शुगर केन भी फिर से देने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि शुगर केन ऑलरेडी एपी है तो यहाँ फिर से देने की जरूरत नहीं, पर दे दिया तो पढ़ लेना। हाँ, जैगरी एपी नहीं है उसको दिया गया, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट उसको दिया गया, इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको को दिया गया, बीटल ल्यूज और टेंडू ल्यूज को दिया गया, कॉफ़ी और टी को भी दे दिया यारो। जैसे हमने क्लैरिफिकेशन पढ़ा था कि कॉफ़ी और टी है एपी नहीं है, टी ल्यूज एपी है, टी पाउडर या कॉफ़ी एपी नहीं है, पर कॉफ़ी और टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसको भी एग्जम्पशन दे दिया है, या बिटल ल्यूज और टेंडू ल्यूज को भी एग्जम्पशन दे दिया गया है। तो ये एग्जम्पशन आने के बाद एक जो क्लैरिफिकेशन दिया था सीबीआईसी ने, ये बहुत से बुक में प्रिंट नहीं हुआ, पहले जो मैंने पहली अमेंडमेंट बुक रिलीज की थी उसमें ये प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, ओके। और ये क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता दूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, कम ऑन, एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, पढ़ाया भी है, पर ये एग्जम्पशन आने के बाद इस क्लैरिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन अगर आपके अमेंडमेंट नोट्स में प्रिंट भी नहीं हुआ होगा तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे डिस्कशन के नीचे मिल जाएगा। पहले ये क्लैरिफिकेशन आया था कि टी का वेयरहाउसिंग टैक्सेबल रहेगा, लेकिन ये सीरियल नंबर की एंट्री आने के बाद, एग्जम्पशन आने के बाद, अब टी जो है उन्होंने एग्जम कर दिया है, मतलब पहला दिया हुआ क्लैरिफिकेशन अब कोई काम का नहीं है। दूसरा, जैगरी ये कहा था कि उसका वेयरहाउसिंग टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अब जैगरी भी इसमें आ गया है ये लिस्ट में, इसलिए अब वो एग्जम रहेगा। नेक्स्ट बेटा, वेयरहाउसिंग ऑफ पल्सेस पहले ये कहा था टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अब उन्होंने पल्सेस भी कवर कर लिया है तो अब वो एग्जम रहेगा। इस बार वेयरहाउसिंग और स्टोरेज पे छोटा सा केस स्टडी या प्रॉब्लम बना सकते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी वेयरहाउसिंग और स्टोरेज आप पढ़े हो उसकी एक लिस्ट बनाओ, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन अवेलेबल है ये जरूर देखो। जैसे एक कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वेयरहाउसिंग ऑफ बिस्किट्स क्या एग्जम्प्ट है? नहीं, क्योंकि बिस्किट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है और कहीं पे भी यहाँ पे भी बिस्किट्स नहीं आते हैं। पर बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टी, जैगरी, पल्सेस जो है ये एंट्री आने के बाद, सुनिए, ये एंट्री आने के बाद अब इनके वेयरहाउसिंग और स्टोरेज को एग्जम्पशन दे दिया है, बड़ी खुशी की बात है। आर यू गेटिंग मी? तो चलो, वो केस में एग्जम्पशन मिल गया है। ये था एग्जम्पशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एंट्री, पढ़ के जाइएगा। हाँ, नेक्स्ट बेटा, एग्जम्पशन स्पोर्ट्स सेक्टर में दिया है। तो ये स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या है, देखो, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू, दोनों भी कवर्ड किया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मैं इतना बड़ा नाम यूज नहीं करूँगा, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो बेटा सिंपल वर्ड में, ओके, अगर किसी ने भी सर्विस फीफा को दी या फीफा ने किसी को भी दी, दोनों केस में एग्जम्पशन दिया गया है। एंड इट्स सब्सिडरी, सिर्फ फीफा नहीं, फीफा ने बनाई हुई सब्सिडरीज को भी एग्जम्पशन है, यानी फीफा ने दोनों भी, फीफा एज वेल एज इट्स सब्सिडरीज, मतलब फीफा की सब्सिडरीज होगी और उनको सर्विस दिया गया या उन्होंने किसी और को सर्विस दिया तो एग्जम्पशन मिलेगा। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इवेंट अंडर फीफा U17 वुमन वर्ल्ड कप 2020 होस्टेड इन इंडिया, 2020 में फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है। तो भाई वुमेन वर्ल्ड कप है तो हमें तो इसको अनटच रखना है। तो इस फीफा को दिया गया कोई भी सर्विस और इनसे लिया गया कोई भी सर्विस, नॉट ओनली इनके इनके बच्चों को यानी सब्सिडरीज को दिया हुआ कोई भी सर्विस और उनसे लिया हुआ कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन एक शर्त डाल दी, क्या शर्त डाल दी, प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सर्टिफाइज दैट सच सर्विस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज फॉर इवेंट ऑफ फीफा। लेकिन ये जरूरी है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर उसे सर्टिफाई करे, यानी जो भी आप सर्विस दे रहे हो या फीफा आके सर्विस दे रहा है तो उस पर ये सर्टिफाई होना चाहिए कि ये जो सर्विस है ये फीफा इवेंट के लिए यूज़ की गई है। और नेक्स्ट, फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020
सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, यानी टिकट चार्जेस, जो भी ये वुमेन्स वर्ल्ड कप देखने जाएगा उसकी जो टिकट चार्जेस होगी उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उस पर भी बेटा जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ ये एग्जम्पशन दिया। ओके, तो स्पोर्ट्स सेक्टर में ये दो एग्जम्पशंस थे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर में एक एग्जम्पशन बेटा, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये देख लीजिएगा, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर मेंबर अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंसर्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो देखो, पुलिस फोर्स स्टेट की होती है और सेंट्रल की होती है। तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, ओके, इनका एक ग्रुप इंश्योरेंस फंड होता है और वो ग्रुप इंश्योरेंस फंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो ये पुलिस फोर्स होती है वो अपने मेंबर का इंश्योरेंस करवाता है और अपने मेंबर का जो इंश्योरेंस करवाएगा तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इसको एग्जम्पशन दिया गया है। ये कुछ एग्जम्पशंस जो कॉमन थे सीजीएसटी और आईजीएसटी के। अब हम कुछ एग्जम्पशंस जो स्पेशली आईजीएसटी में दिए गए वो हम देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन, इस पे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स इज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी एंड कंडीशंस फॉर एग्जम्पशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे तीन बातें लूंगा, ओके, और इन तीन बातों पे हम एग्जम्पशन बात करेंगे और आपका कन्फ्यूजन दून करने की कोशिश करेंगे। केस वन, केस टू एंड केस थ्री। केस वन, केस टू, केस थ्री। केस वन में मैं बात करूंगा शेड्यूल थ्री, इसमें पैरा सेवन। पैरा सेवन में एक स्टोरी याद होगी भाई, झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, जो लॉटरी बेटिंग गैंगलिंग में जीती गई थी और वो लॉटरी बेटिंग गैंगलिंग इंडिया के बाहर खेली गई थी। कुछ याद आ रहा है आपको? आना ही चाहिए आपको याद। तो पैरा सेवन में क्या था, थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ। अगर यूएसए से जापान गुड्स जा रहा है, सप्लाई हो रहा है डायरेक्ट, इंडिया में एंटर ही नहीं हो रहा है, हाई सी सेल हो गई और गुड्स यूएसए से जापान जा रहा है, पर परचेस सेल ट्रांजेक्शन इंडिया से हुआ है, मिस्टर ए जो है इसने परचेस किया और इसने बाद में सेल किया, ये एजेंट नहीं था, ये एजेंट नहीं था, उसने परचेस और सेल किया और गुड्स बाहर के बाहर ही शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे केस में इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। नो सप्लाई, ना परचेस को सप्लाई माना जाएगा, ना सेल को सप्लाई माना जाएगा, ओके, शेड्यूल थ्री के हिसाब से, और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये तो शेड्यूल थ्री पैरा सेवन एंट्री ने निकाल दिया, पर इसमें खास बात ये थी कि वो परचेस कर रहा है और बाद में सेल कर रहा है। उसके बाद में हमने एक एग्जम्पशन देखा था, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ बेटा। एग्जम्पशन ये देखा था कि अगर सर्विस वाला, सुनो, ओके, यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस ये भी इंडिया के बाहर है और सप्लायर रिसिपिएंट भी इंडिया के बाहर है, पर दोनों पार्टीज इंडिया के बाहर है, हो सकता है कि सर्विस इंडिया में दी हो
लेकिन दोनों पार्टी, सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला, दोनों भी इंडिया के बाहर है, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी, क्यों ना उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगा, पर दोनों पार्टीज इंडिया के बाहर है। तो पहला गुड्स का था, ये सर्विस का था। लेकिन अब मैं केस थ्री जो आपको पढ़ा होगा, वो एग्जम्पशन क्या दिया इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, अब मजा आएगा। समझ लो यूएसए और जापान और इंडिया, नाउ सप्लायर यूएसए में बैठा है, रिसिपिएंट जापान में बैठा है, और गुड्स डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, इंडिया में आ ही नहीं रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है। पर भाई हम गुड्स की बात कर रहे हैं, ये गुड्स डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है। ओके, हो सकता है वहाँ स्पेस होगी, आपके पास स्पेस नहीं होगी तो आपके नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करके वहाँ चिपका देना, ठीक है। तो वहाँ स्पेस होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो डायग्राम ड्रॉ करके वहाँ चिपका देना, ठीक है। तो सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है, पर भाई ये जो सप्लाई हो रहा है उसका इंटरमीडियरी, उसका इंटरमीडियरी इंडिया का है। अब इंटरमीडियरी यानी क्या, हो सकता है एजेंट, हो सकता है ब्रोकर, हो सकता है कोई कंसल्टेंट जो फैसिलिटेट कर रहा है, अरेंज कर रहा है इस डील को, नाम कुछ भी कहो बेटा, नाम में क्या लेना देना है, बात तो वो इंटरमीडियरी है, तो वो कंसल्टेंट हो सकता है, ओके, कोई भी हो जो फैसिलिटेट कर रहा है, और ट्रांजेक्शन जो है वो इस इंटरमीडियरी के थ्रू, इस इंटरमीडियरी के थ्रू हुआ है, मतलब वो एजेंट के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स डायरेक्ट सप्लाई हुआ है, पर एजेंट इंडिया का है, एजेंट इंडिया का है। अब गड़बड़ क्या है आपको बताता हूँ, सेक्शन 13(8) के हिसाब से इंटरमीडियरी का सब, ओके, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेक्शन 13(8) के हिसाब से इंडिया माना जाएगा, ओके, इंडिया माना जाएगा। अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी कि वो जो पैसा कमा रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, सुनिएगा मेरी बात, वो जो पैसा कमा रहा है फॉरेन एक्सचेंज में उस पर टैक्स आ जाएगा, तो नाउ सर्विस तो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि LOS और PS दोनों इंडिया में है, देयरफॉर सर्विस उसकी टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस टैक्सेबल सर्विस को अभी एक लड्डू दिया हुआ है सभी एजेंट्स को, यहाँ पे ये जो सर्विस उनकी टैक्सेबल हुई पहले होती थी इसको गवर्नमेंट ने एग्जम कर दिया बाय अबो एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने एग्जम कर दिया बाय दिस एंट्री, ये ड्रॉ कर लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है, आ जाएगा। ओके, एक बार फिर से ड्रॉ करो,
ठीक है, तो देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरमीडियरी व्हेन लोकेशन ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ गुड्स आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन ये एग्जम्पशन आपको किस शर्त पे मिलेगा? इस एजेंट को एग्जम्पशन तो मिल जाएगा, जो कमीशन कमाएगा उस कमीशन पे टैक्स तो नहीं आएगा। ओके, हम एजेंट की बात कर रहे बेटा, अगर ये बायर और सेलर होता तो फिर पैरा 7 ऑफ शेड्यूल 3 में तो वो वैसे ही सप्लाई नहीं होता। हम बात एजेंट की कर रहे हैं, हम बात बायर एंड सेलर की नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, सो देखो, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी मेंटेन फॉर मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल तक उसको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, यानी ये जो गुड शिफ्ट होगा ये प्लेस से ये प्लेस तक, तो वो शिपिंग कंपनी की बिल ऑफ लैडिंग की कॉपी उसे रखनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड बायर, इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी उसके पास होना जरूरी है। उसके बाद में कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, कमीशन डेबिट नोट रेज बाय इंटरमीडियरी, उसने जो कमीशन की डेबिट नोट रेज की वो उसके पास होना जरूरी है, 5 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये भी संभाल के रखना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन लेटर फ्रॉम इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर इन अ टैक्सेबल टेरिटरी ऑन अ कंपनी लेटर हेड कन्फर्मिंग दैट कमीशन डेबिट नोट रेज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बोथ सप्लाई एंड रिसीवेबल गुड्स आर आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने लेटर हेड पे कि भाई जिस जो उसने कमीशन लगाया उसमें सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया के बाहर थे। अगर ये सभी कंडीशंस पूरी होती है तो ऑब्वियसली बेटा एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, तो ये था एग्जम्पशन, ओके, फॉर इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देख लो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, प्रायोरिटी सी में रखना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बहुत से एग्जम्पशंस आपको अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए समझना भी मुश्किल है, पर रीड कर लेता हूँ। सप्लाई ऑफ TDR FSI लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर हैव बीन एग्जम्प्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्टेड फ्लैट आर सोल्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड टैक्स इज पेड ऑन देम एंड दैट सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। पर मैं ये एग्जम्पशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मेरा एक क्लैरिफिकेशन याद आता है तो आपको याद आ रहा है, लैंडलॉर्ड था, प्रमोटर था, डेवलपमेंट राइट्स लिए थे, फिर हमने फ्लैट 30 फ्लैट 20 फ्लैट कुछ याद आ रहा है तो ओके, जो डेवलपमेंट राइट्स है वो इस रेशियो में, मतलब जितने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेच दिए और जो बाद में बेचे, जो बाद में बेचे उसके प्रोपोर्शनेट का 80 लाख रुपए, कुछ याद आ रहा है, उसके प्रोपोर्शनेट का 80 लाख रुपए ओके, वो टैक्सेबल रहेगा। तो ये जो एग्जम्पशन है, हम ये एग्जम्पशन में आपको इसकी डिटेल्स ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा चुका हूँ। ओके, जाके वो क्लैरिफिकेशन देखना FSI और डेवलपमेंट राइट्स वाला, उसमें आपको वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो यहाँ हमारा ये एग्जम्पशन जो है, ऑलरेडी मैंने इसकी डिटेल्स पहले कवर कर ली है, इसलिए इसको मैं वापस फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, डन, चलिए। वेल बेटा, एग्जम्पशन चैप्टर में नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन जो है वो देख लो, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, इसमें एक प्रोविजन है एक्सप्लेनेशन टू एग्जम्पशन। एक्चुअली 11 सबसेक्शन 3 में ये जो है ये प्रोविजन क्या कहती है कि कभी कोई एग्जम्पशन इश्यू हो गया और एग्जम्पशन इश्यू होने के बाद या एग्जम्पशन ऑर्डर इश्यू होने के बाद कोई वर्ड्स में एम्बिग्यूटी होगी, कोई वर्ड्स डिफाइन नहीं है, एग्जम्पशन की अप्लीकेबिलिटी जो है वो कन्फ्यूजन में है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। आई रिपीट, गवर्नमेंट 1 साल के अंदर अंदर उसका एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। और ये जो एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू किया गया वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन माना जाएगा। जैसे मैं प्रोविजन पढ़ता हूँ, द गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर नेसेसरी और एक्सपेंडियंस सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 2 या इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन
टू सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एज द केस में भी, तो वो आपका एग्जम्पशन नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो पहले इशू कही गई थी, जैसे आपको याद होगा तो दो टाइप के एग्जम्पशन होते हैं, जनरल एग्जम्पशन एंड एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। तो पहले जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू किया गया था या स्पेशल ऑर्डर इशू की गई थी, तो वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन या स्पेशल ऑर्डर में अगर कोई कन्फ्यूजन एम्बिग्यूटी होगी तो उसका स्कोप बताने के लिए वो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर। और लास्ट लाइन ये कहती है, एवरी सच एक्सप्लेनेशन शैल टू हैव इफेक्ट एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्ट ऑफ फर्स्ट ओके पार्ट एंड पार्सल ऑफ फर्स्ट सच नोटिफिकेशन ऑर्डर। तो वो एक्सप्लेनेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन का ही पार्ट माना जाएगा, मतलब एक्सप्लेनेशन जो एनफोर्सेबल होगा वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से ही एनफोर्सेबल होगा और उसी दिन से ये एनफोर्सेबल माना जाएगा जिस दिन से ओरिजिनल एंट्री या नोटिफिकेशन इशू किया गया हो। सो सेक्शन 11.3 का एनालिसिस दिया है। तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या आया, क्लैरिफिकेशन ही आया, इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्लेनेशन हैविंग बीन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 11.3 ऑफ CGST एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री इन द नोटिफिकेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिफिकेशन बिकम इफेक्टिव। ओके, थोड़ा ये समझ लेना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है भाई, पहला नोटिफिकेशन आया, अब ये क्लैरिफिकेशन देखो क्या दिया उन्होंने, फर्स्ट नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में इसी नोटिफिकेशन में सेकंड स्टेप कुछ एंट्री ऐड हुई, इसी नोटिफिकेशन में एंट्री ऐड हुई, और थर्ड इसी नोटिफिकेशन में एंट्री ऐड हुई, और थर्ड बेटा इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया, इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन आया। तो वो कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन जो इफेक्टिव होगा वो उस दिन से होगा जिस दिन से एंट्री ऐड की गई। आई रिपीट, ये उस दिन से होगा जिस दिन से एंट्री ऐड किया गया एंड उस दिन से नहीं होगा जिस दिन से ये नोटिफिकेशन लाया गया। आर यू गेटिंग मी? तो जिस दिन से नोटिफिकेशन लाया गया उस दिन से नहीं बेटा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जो ऐड हुआ वो उस एंट्री का ऐड हुआ, इसलिए जब वो एंट्री ऐड हुई थी उस दिन से ये एनफोर्सेबल माना जाएगा, ये इफेक्टिव माना जाएगा। डन। चलिए, उन्होंने एग्जांपल भी दिया, द प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 11/2017 इंट्रोड्यूस ऑन 28 जून केम इनटू फोर्स ऑन 1st जुलाई। ठीक है, तो ओरिजिनल नोटिफिकेशन की डेट 1st जुलाई है, देर आफ्टर न्यू एंट्री उसमें एंट्री लाई गई और वो 21 सितंबर से एंट्री ऐड की गई। सब्सिक्वेंटली एन एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इंसर्टेड विद रिस्पेक्ट टू एंट्री नंबर 36 ऑन 26/7/2018 में। हाँ, उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन 2018 में जुलाई में आया, ऑल्दो इफेक्टिव डेट ऑफ डेट मेंशन इन नोटिफिकेशन इज 27/7/18, द सेड एक्सप्लेनेशन विल बी इफेक्टिव ऑन 21/9/17 एंड नॉट 27/7/18। ओके, सुनिएगा, सो इन सिंपल वर्ड उनका ये कहना है यहां पे ओरिजिनल नोटिफिकेशन, हाँ उनका ये कहना है कि इवन दो ये एक्सप्लेनेशन 26 तारीख को यहां पे 26 जुलाई 2018 को नोटिफाई हुआ और
वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंसर्ट किया गया 27 जुलाई को, यानी 26 जुलाई को वो इंसर्ट किया गया और 27 जुलाई से यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में आया होगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन जो एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन है वो उसी दिन से इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन से उस एंट्री इंट्रोड्यूस की गई। तो उससे रिलेटेड एंट्री जो है ये 21 सितंबर को इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसी दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा। चलो इसको हम इसमें देखते हैं। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन ये जो है ये 1 जुलाई से इफेक्टिव हुआ। एंट्री नंबर 3 लाई गई 21 सितंबर से। एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया, एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड, और ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया 26/7 को, जो 27/7 से नोटिफिकेशन ओके डिस्प्ले हुआ, तो इसकी इफेक्टिव डेट 21/9/2017 मानी जाएगी जिस दिन वो एंट्री नोटिफिकेशन में आई। तो इन सिंपल वर्ड ये जहाँ तक है उन्होंने थोड़ा यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया कि कब से वो इफेक्टिव माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट थी बेटा यहाँ पे सेक्शन 11 में, ये एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था। नेक्स्ट, नाउ एक और क्लैरिफिकेशन जो है रेसिडेंटल ओके यहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने सीबीआईसी को एक क्लैरिफिकेशन मांगा, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया। जैसे कोई भी रेसिडेंट हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता है तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी। और सप्लाई में उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा, सप्लाई में जीएसटी भी आएगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है, और यहाँ वो जो रीइंबर्समेंट मेंटेनेंस चार्जेस रीइंबर्समेंट ले रही है, रीइंबर्समेंट उसको हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कहेंगे, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, और ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ये रिइंबर्समेंट फॉर कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, कॉमन सर्विसेज और गुड्स प्रोक्योर्ड, इसके लिए अपने मेंबर से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है। तो अगर आपको याद होगा तो ये कॉमन गुड्स और सर्विसेज के जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हो गए ये एग्जम्प्ट है, ये एग्जम्प्ट है अप टू 7,500 पर मेंबर, अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट, पर यूनिट। सो पर मेंबर पर यूनिट ये 7,500 तक एग्जम्प्शन दिया गया है। तो अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट जो है यहाँ ये एग्जम्प्शन दिया गया है। लेकिन अगर यही अदर सर्विसेज देती है, अदर सर्विसेज यानी आपकी हाउसिंग सोसाइटी अदर सर्विसेज कोई ईयरली इवेंट रख रही है उसकी एंट्री टिकट चार्जेस या कोई भी अदर सर्विसेज दे रही है तो वो टैक्सेबल है, उसे एग्जम्प्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योरमेंट का रिइंबर्समेंट है उसको एग्जम्प्शन दिया गया, और वो एग्जम्प्शन 7,500 पर यूनिट को दिया गया जिसले यहाँ हाउसिंग सोसाइटी को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अदर सर्विसेज जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटी में डांडिया प्रोग्राम होता है, गणपति फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें अगर कोई सोसाइटी चार्जेस यहाँ पे ले रही है, टिकट चार्जेस ले रही है, तो ऑल दो सर्विसेज आर टैक्सेबल। इज इट क्लियर? चलिए तो ये जो एग्जम्प्शन है 7,500 इसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे, और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। वो क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया,
आर मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट टू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन अ हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एंड इफ यस इज देयर इज अपर लिमिट फॉर अमाउंट चार्जेस. तो क्या ये मेंटेनेंस चार्जेस एग्जम्प्ट होंगे? ऑब्वियसली एग्जम्प्ट होंगे बेटा. तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रेसिडेंशियल ओके वेलफेयर सोसाइटी टू इट्स मेंबर बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस अप टू 7,000 पर मंथ पर मेंबर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेस एंड गुड्स फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी ओके इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. ये बेटा सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को ही एग्जम्प्ट है, कमर्शियल को नहीं. ये एग्जम्प्शन में रहेगा. चलो इनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सीबीआईसी को, स्टेट वेदर आरडब्ल्यूए रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड पे जीएसटी ऑन मेंटेनेंस चार्जेस वेयर अमाउंट ऑफ सर चार्जेस इज मोर देन 7,500 पर मंथ पर मेंबर बट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सच आरडब्ल्यूए इज 20 लाख और लेस इन फाइनेंशियल ईयर. थोड़ा ये समझ लो, एक अपार्टमेंट स्कीम है या हाउसिंग सोसाइटी है, अपार्टमेंट स्कीम या हाउसिंग सोसाइटी है और उसमें जो है यहाँ पे 10 फ्लैट्स ही है या 10 हाउसेस ही है, 10 हाउसेस ही है, पर ये सोसाइटी या अपार्टमेंट है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें 10 हाउसेस है. अब ये 10 हाउसेस का पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है, पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है 10,000 लेते हैं, 10,000 यहाँ पे पर मंथ पर मेंबर, ठीक है. तो ईयरली ये हो जाते हैं ओके सो यहाँ पे ईयरली ये हो जाते हैं 10,000 इंटू 10 हाउसेस है, 10 मेंबर्स है इंटू 12 मतलब ये हो जाते हैं 12 लाख रुपए. सो ये 12 लाख रुपए का ही टोटल इनकम हाउसिंग सोसाइटी का है, 12 लाख रुपए का ही इनकम पूरे साल का हाउसिंग सोसाइटी का है. अब अगर आप इंडिविजुअली देखते हो तो ये जो है 7,500 से ज़्यादा है, 7,500 से इंडिविजुअली ज़्यादा है. तो हमने क्या देखा कि पर मेंबर 7,500 तक ही एग्जम्पशन मिलेगा, ये तो इंडिविजुअल 7,500 से ज़्यादा है. तो ऐसे सिचुएशन में हाँ 7,500 से ज़्यादा है लेकिन ये सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर, 12 लाख ही है जो थ्रेशोल्ड से कम है, 20 लाख से कम है. तो क्या इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो आंसर यह है कि नहीं ओके अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो क्यों ना पर मेंबर अमाउंट 7,500 से ज़्यादा होगा, पर अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे जीएसटी देने की भी ज़रूरत नहीं है. मतलब ये 10,000 पे पर मेंबर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. सो देखिए एक क्लैरिफिकेशन क्या था यहाँ पे, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ 20 लाख से कम है तो पर मेंबर 7,500 तक तो एग्जम्प्ट रहेगा ही, और अगर आपका 7,500 से लेस होगा तो ये तो एग्जम्प्ट रहेगा ही एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, और अगर आपका 7,500 से ऊपर होगा तो भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड में रहोगे, आप थ्रेशोल्ड में ही रहोगे और आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर पर मेंबर 7,500 और लेस होगा तो ये एग्जम्प्ट होगा एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, और अगर 7,500 से ज़्यादा होगा तो नॉट एग्जम्प्ट और ये टैक्सेबल होगा, इसे कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया जाएगा. आर यू गेटिंग मी बेटा? तो ये क्लैरिफिकेशन आया. फिर एक और सवाल आया,
whether residential welfare association entitled to take ITC of GST paid inward supply of capital goods or input services used by it for making outward supply to its member and use such ITC for discharge of GST liability on such supplies where common amount charged for such supplies is more than 7,500 per month per member. मैंने तो आपके साथ पढ़ा पर आपका ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो पूछ क्या रहे हैं. चलिए वो पूछ ये रहे बेटा कि जैसे फिर से लेते हैं ये हाउसिंग सोसाइटी है ठीक है ये कॉमन गुड्स परचेस कर रही है बाहर से थर्ड पार्टी से तो थर्ड पार्टी से गुड्स परचेस कर रही है सर्विसेज परचेस कर रही है कॉमन जिसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है स्वीपर सर्विस उसके बाद में क्लीनिंग सर्विस ये सर्विस हाउस टैंक क्लीनिंग सर्विसेज बहुत सारे गुड्स स्टेशनरीज वगैरह परचेस कर रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस गुड्स परचेस कर रहे हैं तो ये कॉमन ओके जीएसटी लग के आ रहा है उसके ऊपर. नाउ अब इसमें 50 ऐसे मेंबर्स है फ्लैट्स है या हाउस है जिसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सॉरी एनुअल नहीं मंथली मेंटेनेंस चार्जेस मंथली मेंटेनेंस मंथली मेंटेनेंस यहां पे उनका समझ लो 6,000 पर मेंबर पर मंथ है और 30 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका बंगलो विला वगैरह है और 8,000 पर मंथ पर मेंबर है. तो अब जिसका 6,000 है इस 6,000 पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा 50 मेंबर्स को एग्जम्पशन मिल जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा पर जिसका 8,000 पर मेंबर है ये टैक्सेबल होगा ये टैक्सेबल होगा. आर यू गेटिंग मी बेटा. तो चलिए सो इनके इनवॉइसेस पे जीएसटी लगाया जाएगा. अब सवाल ये है कि इन्होंने जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज परचेस किए हैं क्या इनके आईटीसी मिलेंगे. तो यस बेटा आईटीसी अवेलेबल आईटीसी रुका नहीं गया है वो इनपुट हो कैपिटल गुड्स हो इनपुट सर्विस हो आईटीसी अवेलेबल लेकिन इनका सप्लाई कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है तो इस आईटीसी को यहाँ पे अपोर्शन करना पड़ेगा अपोर्शन करना पड़ेगा ओके और जितना टैक्सेबल से रिलेटेड है उतना ही मिलेगा. कम ऑन ओके टैक्सेबल से रिलेटेड है उसका ही मिलेगा. तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट के लिए अगर आपको याद होगा तो सीए फाइनल लेवल पे रूल 42 और रूल 43 लगता है. रूल 42 और 43 मतलब T1, T2, T3, T4 कुछ याद आया या फिर वहाँ क्लॉज स्मॉल ए क्लॉज स्मॉल बी TC, TM, TRT तो कैपिटल गुड्स होगा तो वो अपोर्शनमेंट तो उस तरह का अपोर्शनमेंट रेशियो लगाना पड़ेगा और उन्हें अपना आईटीसी बायफर्गेट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी. हाँ एक दूसरा केस लेते हैं कि अगर आपके हाउसिंग सोसाइटी में सभी ओके फ्लैट्स वगैरह ऐसे हैं कि जो 7,500 से ज़्यादा है तो वो सिचुएशन में ओके पूरा ही टैक्सेबल होगा तो आपको आईटीसी तो पूरा ही मिलेगा पर जहाँ ऐसा बायफर्गेशन आ रहा है वो सिचुएशन में आपको आईटीसी तो मिलेगा पर वो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा. सो देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं RWA आर एंटाइटल टू टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन देम ऑन कैपिटल गुड्स जस सच एज जनरेटर वाटर पंप लॉन फर्नीचर गुड्स सच एज टेप पाइप्स अदर सैनिटरी हार्डवेयर फिटिंग्स एंड इनपुट सर्विसेज. आईटीसी तो मिलेगा बट राइट डाउन इफ दे आर यूज इन कॉमन सप्लाई
that is exempted and taxable, then ITC required to apportion, as per section 70, read with, rule 42 and rule 43, then उसके बाद में next issue जो पूछा गया था, where a person own two or more flats in a housing society or residential complex, whether ceiling rupees 7,500 per month per member on maintenance for the exemption to be available shall be applied per residential apartment or per person. बेटा अगर स्कीम में मेरे दो फ्लैट है तो दोनों का मिला के 7,500 का ही एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि दोनों फ्लैट का ओनर मैं ही हूँ, या फिर पर फ्लैट 7,500 मिलेगा? तो बेटा पर फ्लैट 7,500 मिलेगा, तो यहाँ पे 7,000 पर 100 पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ओन बाय हिम. आर यू गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट इश्यू नंबर 5. हाउ शुड द RWA कैलकुलेट GST पेबल वेयर मेंटेनेंस चार्जेस एक्सीड्स 7,500 पर मंथ पर मेंबर? Is the GST payable only the amount exceeding 7,500 or on entire amount of maintenance charges? सुनी, अगर आपके maintenance charges समझ लो 9,000 रुपये per month है, example लेते हैं 9,000 रुपये per month है, तो ऐसे केस में क्या 9,000 माइनस 7,500 लिया जाएगा या टोटल 9,000 पे GST देना पड़ेगा? पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था ये क्लैरिफिकेशन आने के पहले, और कन्फ्यूजन ये था कि कुछ लोग ये मानते थे कि पूरे 9,000 पे देना पड़ेगा, कुछ ये लोग ये मानते थे कि नहीं, बचा हुआ 1,500 पे ही देना पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन था बेटा. लेकिन अब क्लैरिफिकेशन जो CBIC का आया है, ये क्लैरिफिकेशन ये आया है कि आपको जो है यहाँ पे एंटायर 9,000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1,500. Entire 9,000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1,500. आर यू गेटिंग मी? तो ओके, 7,500 ये एग्जम्पशन सिर्फ क्राइटेरिया है. कम ऑन, 7,500 सिर्फ क्राइटेरिया है फॉर एग्जम्पशन. अगर उससे ज़्यादा अमाउंट होगी तो पूरे अमाउंट पे आपको GST देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी बेटा? तो पूरे अमाउंट पे आपको GST देना है. दूसरी बात, यहाँ मेरे क्वेश्चन यार में जब इसके ऊपर क्वेश्चन लिया गया तो मैंने ओल्ड इंटरप्रिटेशन वहाँ पे लिया हुआ है और उसको करेक्शन करना रह गया, तो आपने उसका करेक्शन कर लेना. बाय मिस्टेक क्वेश्चन यार में मैंने 1,500 लिया था जो ओल्ड इंटरप्रिटेशन था, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आया है तो उतना आपको करेक्ट करना है अगर आप मेरा क्वेश्चन यार पढ़ रहे हैं. और आपको यहाँ पर 1,500 नहीं 9,000 पे GST देना पड़ेगा. पर बेटा ये क्लैरिफिकेशन है, चैलेंज कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में आप जो है इसके अगेंस्ट में मत जाना, आपने पूरे 9,000 पे GST लगाना है, तो उतना आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है. इन दिस वे हमने ये क्लैरिफिकेशन देखा एग्जम्पशन में. नाउ नेक्स्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर पे क्लैरिफिकेशन आया है. अब क्या थोड़ा बता देता हूँ. पहले मैं एग्जम्पशन से शुरुआत करता हूँ. एग्जम्पशन ऐसा था बेटा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट अमेंडमेंट बैच देख रहे होगे तो एटलीस्ट बुक तो भी ओपन करके रखो तो थोड़ा बहुत रिकॉल होगा. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कौन, स्कूल्स या फिर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जो
एजुकेशन दे रहा है अंडर द करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. मतलब कोई भी ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रही है ऐसे करिकुलम में जिससे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हो और वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा. और थर्ड वाला अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस. नाउ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस एनी सर्विस अपने स्टूडेंट कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट या फैकल्टी या स्टाफ को देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगी. कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को देती है तो उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा. आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ठीक है. तो अब इसमें यहां पे देखिएगा. सो एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ देन इट इज टोटली एग्जम्प्टेड. नाउ हुआ यू बेटा यहां पे क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया वेदर अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस कंडक्टेड बाय मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो लीगल प्रोविजन अभी अभी मैंने बताई सीरियल नंबर 66 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी हर वो इंस्टीट्यूशन आती है जो क्वालिफिकेशन दे रही है रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर टाइम बी इन फोर्स. तो वो केस में आपको जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगा अगर आप वो सभी कंडीशन फुलफिल करोगे. नाउ इंडिया में एक एक्ट है जो मैरिटाइम शिपिंग एक्ट है उसके बाद में सेक्शन 878 और मैरिटाइम शिपिंग रूल्स भी हैं और रूल 9 ऑफ सेड रूल डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एम्पावर्ड ओके फॉर डेसिग्नेटेड असेसमेंट जिसमें वो ट्रेनिंग कोर्सेज दे सकते हैं. ये आपके लिए कोई काम का नहीं है. बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इन ओके मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और यहाँ पे रूल्स के तहत यहाँ रूल्स टू मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2014 के तहत डायरेक्टर जनरल ओके कुछ इंस्टीट्यूट को एम्पावर कर सकता है जो ट्रेनिंग और प्रोग्राम ले सके. इस पे बेटा लास्ट यही स्टूडेंट को याद रखना है बाकी रीड करना है तो कर लेना. क्या याद रखना है? फ्रॉम अबो डिस्कशन इट सीन दैट Maritime Training Institute and their training courses are approved by Director General of Shipping which are duly recognized under the Merchant Shipping Act 1958 read with Merchant Shipping Rules 2014. Therefore, Maritime Institute are educational institution under the GST law and courses conducted by them is exempted from the payment of tax. Matlab simple word mein aapko agar main ye kahun to ye jo यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है वो डायरेक्टर जनरल उन्हें अप्रूव कर रहा है और डायरेक्टर जनरल को अप्रूव करने की पावर मर्चेंट शिपिंग एक्ट और रूल्स के तहत दी गई है इसलिए वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा. और अगर वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को कोई भी सर्विसेज देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगी. आर यू गेटिंग मी बेटा? तो वो एग्जम्पशन में रहेगी. सो ये हमने एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस ओके और कुछ नई एंट्रीज जो एंटर हुई कुछ एग्जिस्टिंग एंट्री अमेंड हुई ये पूरा डिस्कशन खत्म किया है. डन बेटा? ओके.